नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी ए वेरी गुड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हाँ जी गुड इवनिंग उन्नति गुड इवनिंग सोनू कुमार गुड इवनिंग मुसरत गुड इवनिंग अभिनव अभिनव जी बोल रहे हैं सर कल नोटिफिकेशन आ जाएगा क्या आरआरबी का देखो मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक में आना चाहिए यानी कि कल से लेकर पाँच छः तारीख के बीच में कभी भी आ जाएगा नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन की चिंता मत करो नोटिफिकेशन जरूर आएगा और जब आएगा तो मैं नोटिफिकेशन की एक छोटी छोटी चीज़ें बारीक बारीक चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूँगा जो भी उसमें अगर मान लो वैसे कोई बदलाव आएगा नहीं वैसे ही सारी चीज़ें चलने वाली हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है आपके लिए जो कि वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा चैनल पर जिसमें मैंने पूरा आर का पूरा बता दिया है कि भाई कैसे क्या होने वाला है ठीक है उम्मीद करता हूँ जो टाइम एंड वर्क और परसेंटेज की आपको क्लास दी गई थी मैंने मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लास आपको दी है उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हाँ होगी तो ऐसे कभी जब मैं नहीं रहूँगा तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे तो हमारे बीच में गैप नहीं लगेगा बिल्कुल भी क्लासेस के बीच में और काफ़ी अच्छा रिस्पॉस आ रहा है कई स्टूडेंट तो बोल रहे हैं कि सर से रिकॉर्डेड सेसन्स जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिवली इफेक्टिव हैं ठीक है थीके? लेकिन हम लोग रिकॉर्डेड लाइव थोड़ा मिक्स ही चलेंगे ठीक है कल आ जाएगा क्या नोटिफिकेशन ठीक है आ जाएगा तो अच्छी बात है कल देखेंगे ओके कंफर्म है ठीक है फिर बहुत अच्छी बात है अगर कल आ जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है ओके तो आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज की जो ये हमारी है क्लास ग्यारह है आप लोगों की ठीक है जिसमें एक आठ नंबर क्लास ऐसी थी जिसको मैंने दो बार लिया था तो उसके समय अगर देखें तो बारह नंबर की क्लास है आज की क्लास में हम एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ ट्रिक्स एंड शॉर्टकट देखेंगे इस टॉपिक में पता है क्या दिक्कत है इस टॉपिक में स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में आने का मतलब है कि उसको लगता है ये कैसा टॉपिक है ठीक है सर मैथ्स बाई भीमा ये क्या बोल रहे हैं सर आपके चैनल से हमने रीजनिंग एंड मैथ्स का बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है आई एम एडिक्टेड टू कनेक्ट विद हाँ जी बिल्कुल आप हमसे कनेक्ट रहिए हम, हम लोग हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें दे पाए ठीक है आ जाओ तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में ना एक सबसे बड़ा वहम होता है स्टूडेंट्स का कि ये तो हमें आता ही है एग्जाम में जाके देख लेंगे लेफ्ट राइट आगे पीछे ही तो करना है लेकिन ऐसा है ही नहीं ये आप कर तो लोगे एग्जाम में ऐसे उंगुलियों पे गिन के लेकिन समय इतना लग जाएगा ना कि आप लोग दूसरी चीजें नहीं कर पाएंगे जबकि ये ऐसा टॉपिक है इसमें ऐसे फटाफट चुटकियों में काम हो जाता है ठीक है तो एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ कि आर आर बी कलर्क में मान के चलो पाँच से दस नंबर के तो क्वेश्चन आने ही आने हैं पाँच नंबर या दस नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे कोई द वे एक आधी शिफ्ट ऐसी हो सकती है कि जहाँ इसके क्वेश्चन ना पूछे जाए पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन तो आज मैं इसके ट्रिक्स और शॉर्टकट की बात करूँगा कि अपने माइंड को ऐसे कैसे तैयार करें कैसे ट्रिकी तरीके से तैयार करें कि हम लोग इसके क्वेश्चन को फटाफट फटाफट निकाल लें ठीक है फटाफट फड़ निकाल लें एकदम जल्दी जल्दी तो एक तो क्लियर रखो कि पाँच से दस नंबर के मार्क्स इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं किसी टाइम में इससे ज़्यादा भी आ जाते थे आरआरबी के अंदर ठीक है और बाकी जगह चाहिए टॉपिक आए ना आए आरआरबी में जरूर पूछा जाता है तो ऐसे मान लो कभी आपने प्रीवियस ईयर का इसमें एक कलर का पेपर देख लिया किसी और का हो सकता है वहाँ पर दिखे ना दिखे इसका क्वेश्चन लेकिन आर के पेपर देखो निकाल के जरूर दिखेगा आप लोगों को ठीक है तो इस टॉपिक को जरूर वहाँ पर पूछा जाता है है ना तो इस तरीके से आप लोगों के पाँच से दस मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं तो एक तो ये क्लियरटिव बता देता हूँ दूसरा मैं बताता हूँ कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ठीक है ना चार टाइप के फोर टाइप्स बनते हैं इसमें ठीक है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आइडिया देता हूँ कि चार टाइप्स बनते कैसे हैं ठीक है एक मेंस का एक अलग टाइप बनता है जिसमें कुछ डायग्राम्स बना के दिए होते हैं ऐसे सर्कल बना देगा ऐसे ऐसे इनमें कुछ वर्ड्स लिख देगा कभी ऐसे टाइप वो मैं किसी और क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को आज एक क्लास में उसको कराना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिएगा तो उसकी एक अलग सेपरेट क्लास मैं यहाँ पे लगाऊंगा लेकिन यहाँ पे चार टाइप के क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं वो चारों के चारों टाइप कराऊंगा मैं आप लोगों को इवन चार टाइप में एक टाइप के दो टाइप के तो हो सकता है चार या पाँच टाइप के भी हो जाए क्वेश्चन ठीक है लेकिन जनरली चार टाइप के होते हैं लेकिन एक टाइप में ही दो तरीके से पूछ लेता है तो अगर उसको भी टाइप मानोगे तो पांच टाइप के हो जाएंगे पहला ये टाइप होता है कि जनरली एक आधा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एक दो क्वेश्चन कहीं आर आरबी कलर के या आर आरबी में ये पूछ लिया जाता है इस टाइप का कि अगली स्टेप बताओ क्या है ठीक है तो इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो चार पांच क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको नंबर्स लेटर सिंबल्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है फिर कुछ लेफ्ट राइट आगे पीछे कुछ कराता है और फिर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस आपसे कराने का प्रयास करता है ठीक है तो वो यहाँ पे एक चीज़ वो पूछी जाती है आप लोगों से तो उसके ऊपर आधारित पांच क्वेश्चन आते हैं तो पांच नंबर का मामला हो जाता है डायरेक्टली ठीक है तो एक तो इस टाइप का होता है जैसे इसके ऊपर देखो पांच छह क्वेश्चन पूछे गए होंगे एक ये टाइप हो गया दूसरा इसमें क्या होता है जैसे मैं इसके काफ़ी दूसरा इसी में एक ये चीज़ दी कर दी जाती है कि सारा जो सिंबल्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन था ना उसको बदल के या तो नंबर्स में कर दिया जाता है सिर्फ या फिर लेटर्स में ही कर दिया जाता है वो कॉम्बिनेशन ख़त्म करके एक ही चीज़ दे दी जाती है एक तो या ऐसा हो सकता है या फिर आपको ना एक ऐसे कुछ स्टेप्स आपको करा देगा इसमें कि स्टेप वन में अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा ये सब समझाऊंगा मैं आप लोगों को तो दूसरा टाइप ये मान सकते हो आप लोग इसके बाद में जो मेन जो टाइप इसका बनता है ना जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है जिसमें क्वेश्चन को टैकल करना वो ये वाला होता है इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है लेकिन अगर इसमें आप थोड़ा सा दिमाग अच्छे से लगाओगे जो टेक्निक्स में सिखाने वाला हूँ वो सीख लोगे तो इसमें भी फास्ट क्वेश्चन कर पाओगे एक ऐसा टाइप होता है एक में नंबर्स आएंगे एक में वर्ड्स दे देगा तो जैसे ये नंबर्स के क्वेश्चन करेंगे पहले हम बहुत सारे ठीक है उसके बाद में नंबर्स के बाद में ऐसे नंबर्स चलते रहेंगे नंबर्स के बाद में यही क्वेश्चन लेटर्स के अंदर आ जाता है ठीक है यही क्वेश्चन लेटर्स के अंदर आ जाता है जैसे यहां पे बहुत सारे ये लेटर्स लिखे हुए हैं तो इस तरीके से हम करेंगे उसके बाद में मैं आपको ना मेरे पास में लगभग डेढ़ सौ के आसपास ये कितने क्वेश्चन एक बार में देखता हूँ एक सौ सत्रह के आसपास स्लाइड है मेरे पास में ठीक है तो इनमें फिर आगे हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करेंगे तो शुरुआत में पहले पहला टाइप सीखेंगे फिर दूसरा टाइप फिर तीसरा टाइप फिर चौथा टाइप पांचवा टाइप उनमें उनमें भी है ना हम लोग सारी चीज़ों को टेक्निक से सीखेंगे फॉरम की बात बाद में कर लेना है यार लाइव के अंदर पहले ध्यान दे दो कि कौन कौन से टाइप्स हम लोगों को पढ़ने हैं ठीक है तो एक बार अगर सबको समझ में आ गया हो कि सर कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं हमें क्या क्या सीखना है हर टॉपिक में पहले क्लियर को होना चाहिए तो एक बार ओके लिख के या फिर वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए ठीक है एक लाइव हो आप और लाइक सेवेंटी है तो इतना अच्छा सेशन है तो कम से कम बराबर के लाइव तो डिजर्व करता है ठीक है तो फटाफट सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार ओके लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया उसके बाद में मैं इस चैप्टर की पहली चीज़ जो हमें सीखनी है उसके ऊपर मैं आऊँगा ठीक है फटाफट एक बार कर दीजिए हाँ जी कुछ लोगों ने तो आंसर भी दे दिया पहले वाले क्वेश्चन का बहुत अच्छी बात है आप बहुत होशियार हो प्रियंका जी ने लिखा है।, ओके, 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 है बहुत अच्छी बात है ओके सबसे पहले देखो भाई अगर इस चैप्टर को आपको फास्ट करना है तो आपको नींदों में से भी उठा के ऐसे पूछे ना कोई कि भाई जी का अल्फाबेटिकल नंबर क्या है कितने नंबर पे आता है जैसे ए एक नंबर पे आता है बी दो नंबर पे आता है सी तीन नंबर पे आता है ऐसे ही करते हैं जेड छब्बीस नंबर पे आता है छब्बीस लेटर्स होते हैं

वो कौन से लेटर का कौन सा नंबर है देखते ही ऐसे फटाक से दिमाग में क्लिक करना चाहिए आपके ठीक है तब तो ये मान लो कि आप फास्ट कर पाएंगे वरना दिक्कत हो जाएगी वरना दिक्कत हो जाएगी तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ए से लेके जेड तक के जो नंबर्स हैं वो याद हैं नहीं याद हैं तो मुझे आप पाँच मिनट का समय दे दो मैं यहीं पे याद करवा दूंगा आपको थोड़ा क्या होता है ना जैसे अपन लोग सीधा रटेंगे ना तो याद नहीं होता लेकिन जब चीज़ों को थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं ना एक दूसरे से तब चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं बड़ी फास्ट हम लोग सोलू कर पाते हैं बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हो जाती हैं ठीक है ठीके? एक स्टूडेंट लिख रहे हैं मैथ्सर आई नो फ्रॉम ए टू जेड ठीक है नहीं पता है तो दो मिनट का मुझे समय दीजिएगा दो तीन मिनट के अंदर मैं यहाँ पे करवा देता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ए बी सी डी ये तो बचपन से बोलते हैं ए बी सी डी को लिखना भी ए बी सी डी बोलते हैं तो इनकी नंबरिंग तो सबको याद होगी कि एक दो तीन चार होती है एक दो तीन चार होती है इसके बाद में है ना एक वर्ड याद रखना है आपको ई जे ओ टी वाई ई ठीक है ई e तो यहाँ पे जो नंबरिंग होती है वो पाँच दस पंद्रह बीस और पच्चीस ठीक है अब इसमें भी इजोटी किसी को याद नहीं रखना है तो देखो ध्यान से समझ आप ठीक है ई का तो पांच नंबर होता है वैसे याद रह जाएगा सबको कि डी के जस्ट बाद में ई आता है डी का तो सबको पता है चार नंबर होता है वाई सेकेंड लास्ट है कि भाई जेड अगर छब्बीस है तो वाई का भी सबको याद ही हो जाएगा कि सेकेंड लास्ट लेटर है ये तो सबको ही पता है तो यानी पच्चीस नंबर ही होगा बसते हैं ये तीन तीन में से देखो आपका कल ही खत्म हुआ है कल परसों ही खत्म हुआ है हमारा आईपीएल तो आईपीएल में कौन से मैच होते हैं टी ट्वेंटी मैच होते हैं तो टी से ट्वेंटी याद कर लीजिए ऐसे लिंक करके इसका कोई लॉजिक नहीं होता है बस ऐसे ही याद कैसे रह जाए उसी बारे में बात करता हूँ तो टी ट्वेंटी से टी ट्वेंटी याद कर लो ठीक है ना जे और ओ को आपको याद करना पड़ेगा कि दस नंबर और पंद्रह नंबर ठीक है जे का दस नंबर ओ का पंद्रह नंबर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यहाँ पे ई से भी याद रख सकते हो तो दो का मैंने देखो और लिंक बता दिया बाकी ई से भी आप लोग याद रख सकते हो तो ये अपना ई तक हो गया अब देखो आप बोलोगे सर कैसे कैसे लॉजिक बता रहे हैं दिमाग में डालने के लिए बनाने पड़ते हैं इधर उधर के जुगाड़ ठीक है जैसे एफ है एफ आपका छः नंबर पर आता है ठीक है तो आप क्या करो इस एफ को एफ को देख के आपको अगर छह नंबर की फीलिंग आ जाए तो कैसा मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा तब तो आपको एफ को देखते ही छह नंबर की फीलिंग आ जाए तो छह याद हो जाएगा तो ये थोड़ा सा लिंक करने की बात है आप देखो थोड़ा सा इमेजिन करो अगर मैं इस एफ का ऐसे जोड़ दूंगा तो क्या ये उल्टा छह बन रहा है कि नहीं बन रहा है उल्टा छह बन रहा है तो बस इसको देख के ही आपको फीलिंग आ जाती आ जानी चाहिए यार एफ का उल्टा छह छह नंबर ठीक है शुरू में थोड़ा लगेगा अजीब सा कि यार क्या कर रहे हैं लेकिन फिर धीरे धीरे चीज जो लिंक होती जाएंगे तो याद हो जाएगा ऐसे ही देखो जी जी जो है ना जी में ये वाला ये वाली चीज देखो आप क्या ये सात नंबर के जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जो जैसे ब्लैक तो जी को देख के सात नंबर की, की फीलिंग आ जाएगी तो ये सात हो गया एच देखो एच एच जो होता है H में थोड़ा सा आप देखो एच को अगर मैं थोड़ा सा इधर ऐसे कर दू इधर ऐसे कर दू तो क्या ये आठ नंबर की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ठीक है तो एच को देख के आठ की फीलिंग आनी चाहिए आप लोगों को देखते ही पता लग जानी चाहिए फिर ये रटे जाएंगे आप लोगों को एच बोलते आठ ये इतना तेजी से दिमाग होना चाहिए तब जाके एल्फानिक सीरीज फास्ट हो पाएगी ठीक है जे उसके बाद में देखो आई होता है आई को छोटा लिखो थोड़ा सा देखो अगर इस आई को मैं ऐसे ऐसे लिख के ये जो बिंदी लगाई है वो मैं यहाँ लगा दूँ तो क्या ये नो जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसलिए आई नो नंबर पर आता है तो ये देखो एफ जी एच और आई ये आप नंबर्स की सेप से थोड़ा सा लिंक करके याद करिएगा नंबर्स की थोड़ी सी से सेप से याद करिएगा ठीक है उसके बाद में देखो कमेंट्स में अभी बीच बीच में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा जैसे कुछ लोग अभी भी गुड इवनिंग कर रहे हैं तो सभी को ए वेरी गुड इवनिंग लेकिन एक बार थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दे ले लेते हैं ठीक और थोड़ा सा पांच बज के पांच मिनट तक सब लोग आ जाया करो ताकि टाइम पे अगर सारे लोग शुरू से जुड़े रहते हैं तो चीजें लिंक होती चली जाती है तो यहां तक हमारा एच का याद हो गया आई आई के बाद में जे का हमने देख लिया था देखो जे दस नंबर पे आता है उसके बाद में आता है के ठीक है के ये ग्यारह नंबर पर आता है तो देखना ग्यारह में भी दो डंडे होते हैं यहां पे इस के में भी देखो यहां पे दो डंडे हैं तो इस इन दो डंडों से ग्यारह की फीलिंग आ जानी चाहिए आपको तो के मतलब ग्यारह नंबर ऐसे याद कर लो ठीक है अब आ जाते हैं एल ठीक है एल से मतलब ऐसे याद कर लो बहुत सारे तरीके होते हैं आपको दूसरी ट्रिक्स भी पता होंगी क्या बोल रहे हैं सर टाइम एंड वर्क वाली पीडीएफ कहां से मिलेगी अच्छा टाइम एंड वर्क का रिकॉर्डेड था तो शायद उसकी पीडीएफ नहीं गई होगी मैं बोल के डलवा दूंगा ठीक है हाँ रिकॉर्डेड सेशन की शायद किसी की पीडीएफ नहीं गई होगी मैं डलवा दूँगा ये जो एल होता है ये बारह नंबर पे आता है तो इसको याद करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आप लोगों को एल का मतलब जनरल वर्ड क्या होता है ये होता है ठीक है और इसमें लोगों के कितने बच जाते हैं इसमें लोगों के इतने बच जाते हैं तो इसको ऐसे भी करके याद आप लोग कर सकते हैं देखो एम इसके बाद में एम आता है ठीक है एम और डब्लू को देखो अगर इस एम को ऐसे कर M एम डब्ल्यू को देखो देखो थ्री की फीलिंग आती है कि नहीं आती है ये तो थोड़ा सा ऐसे घुमा दोगे थ्री बन जाएगा ये ऐसे घुमा दोगे तो थ्री बन जाएगा एम और डब्ल्यू को देख के थ्री की फीलिंग आती है तीन नंबर की तो एम पहले आता है तो एम तीन नंबर पर तो देखो आ नहीं सकता तीन नंबर पर तो C आता है तो एम तेरह नंबर पर एम पहले आता है डब्ल्यू बाद में आता है तो डब्लू तेईस नंबर पर एम की सेफ से तीन नंबर की फीलिंग आती है तो एम तेरह डब्ल्यू तेईस ऐसे फील करना है नहीं आता तो भी फील करना है याद करने के लिए ठीक है ठीक है एम के बाद में आता है एन तो देखो एम और एन को कॉम्बिनेशन में याद रखो एम से आपको थर्टीन की फीलिंग आती है तो एम से ही एन को याद रखो फोर्टीन ठीक है तो एम एन एम एन एम एन तो एम थर्टीन तो एन फोर्टीन और कोई ट्रिक है तो आप उससे भी याद कर सकते हो ठीक है ओ आपका फिर ई e जोटी से पंद्रह नंबर पे आता ही है ओ आपका किस पे आता है 13 नंबर पे आता है ये जोटी से उसके बाद में आता है पी ठीक है पी को देखो उल्टा छह की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है इसमें तो देखो एफ में आई थी एफ तो छह नंबर पे था एक देखो इसमें तो पूरा ही छह बन रहा है उल्टा लेकिन ये एफ के बाद में आता है बीच में सिखाता है तो ये 16 नंबर हो जाएगा ठीक है क्यू देखो क्यू आता है 17 नंबर पे क्यू को कैसे याद करना है क्यू मतलब यानी रानी तो एक आपने सत्रह पे खतरा ऐसा कुछ सुना है क्या आपने नहीं सुना है तो अभी सुन लो ठीक है तो ऐसे ही जुगाड़ कर रखे रटने के याद करने के ठीक है तो सत्रह पे खतरा तो जो राजा होता था जो किंग होता था ना उसके क्यून को देख के उसको खतरा हो जाता था बेचारे को ठीक है तो सत्रह पे खतरा से क्यून याद कर लो तो क्यू इन मतलब सत्रह सत्रह तो कुछ ना कुछ लिंक करना पड़ेगा आपको अपने दिमाग के अंदर ठीक है तो क्यू मतलब बाद में ये सब चीज़ें बकवास याद रखने की जरूरत नहीं है बाद में तो ये अपने आप रटा चला जाएगा दिमाग में ही चला जाएगा आपके एकदम से एग्जैक्ट एक रटा जाएगा ये ठीक है तो क्यू मतलब सत्रह देखो आर अब देखो आर का होता है अठारह नंबर मैं कैसे याद रखता हूं मेरा जिला है राजस्थान में झुंझुनू हमारे यहाँ पे गाड़ियों के नंबर स्टार्ट होते हैं आर जे अट्ठारह ठीक है मेरे जो जिले के नंबर है वो ठीक है तो आर जे जो नंबर है उससे मैं याद रखता हूँ कि आर मतलब 18 ठीक है बाकी आप देख लो कैसे याद करोगे ठीक है इसका मतलब ठीक है इसको एक तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो कि Q सत्रह पे क्यू इन थी तो इसको हिंदी में कर दो ये अठारह पे राजा हो जाएगा हाँ तो, पे, तो, पे राजा। तो भी सकते हो मुझे तो मेरे जिले से, हो से। तो लोग होंगे अच्छा एक ट्रिक और बताया कि क्वीन का एज सत्रह और राजा का अठारह है हाँ देखो ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्वीन का एज रानी जो है सत्रह साल की है जो राजा है वो कितने का है अठारह साल का है वयस्क अठारह साल के हो जाते हैं ना तो रानी हो गई ठीक है तो जो रानी है क्वीन जो है सत्रह साल की और राजा जो है वो अठारह साल का तो ऐसे भी याद रख सकते हो अब ठीक है एस टी का तो ट्वेंटी होता है आपको पता है टी ट्वेंटी से ठीक है एस और उन्नीस उन्नीस के लास्ट में देखो एस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उन्नीस उन्नीस एस का हो रहा है तो उसी प्रोन से जो अपना बोलने का जो तरीका होता है उससे देख लीजिएगा ठीक है कि एस मतलब उन्नीस एस उन्नीस एस में भी लास्ट में आपको उन्नीस जैसा सेंस आ रहा है ठीक है उन्नीस में एस जैसा सेंस आ रहा है तो बोलने में तो वहां से एस हो जाएगा T का आपको हो U, V, W, ठीक है X, Y और Z का याद कराने की जरूरत है क्या Y आपका 25 नंबर इजोटी से याद रख लो या फिर वैसे भी याद रह जाएगा कि सेकेंड लास्ट लेटर है और ये 26 नंबर पे इसका तो याद करने की जरूरत नहीं है देखो U मतलब U को लिंक करो युवा अपने देश में युवा लड़के को शादी लाया कितने साल के बाद माना जाता है लीगली इक्कीस साल के बाद ठीक है थीके? तो युवा मतलब इक्कीस साल तो यू से युवा इक्कीस साल का है ऐसे करके याद कर सकते हो ठीक है तो हम लोगों ने हमेशा पढ़ा था यूवी रेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ाए यू वी रेज जैसे कुछ साइंस में पढ़ते थे तो यू और वी एक साथ हैं तो यू अगर 21 नंबर पे है, तो वी 22 नंबर पे हो जाएगा ठीक है है ना अब ये डब्लू आपको पता ही था कितने पे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कितने नंबर पे है इसको देख के तीन की सी फीलिंग आती है तो तेईस हो जाएगा एक्स बचपन में सबसे छोटा गुणा कौन सा सीखा था सर दो एकम दो, दो दुनी चार यही तो सीखा तो गुणे का साइन है तो दो एकम दो दो दुणी चार ठीक है तो सबसे पहला गुणा दो गुणा दो सीखा होगा हमने बचपन में दो एक दो चार चौबीस ऐसे करके अब ये नहीं कि दिमाग लगाओ वहां था, था, इतना दिमाग थोड़ी होता है हमारे पास में इतना टाइम थोड़ी थोड़ी होता है ये सब इसलिए रट रहे हैं हम लोग हमारे पास में सीधा सा ये होना चाहिए कि आपको नंबर देखा नहीं और ऐसे फटाफट नंबर लिखे नहीं जैसे कि मैंने लिख दिया आई डब्ल्यू जी के जैसे ये लिख दिया तो जैसे इन नंबर को देखा मेरे को इसको देखते हैं नो की इसको देखते ही तेईस की इसको देखते ही सात की इसको देखते ग्यारह की फटाफट नंबर दिमाग में आ जाना चाहिए विद इन ए सेकेंड तब जाके हमारा काम बनेगा तो ये वैसे पढ़ाना हाँ वी मतलब दो स्टिक्स हैं हाँ तो वी दो स्टिक्स है आप देख लो कैसे भी? वी में एक स्टूडेंट ने ट्रिक बताई है सर दो स्टिक है वी में तो बाईस हो जाएगा दो दो तो ऐसे कैसे भी लिंक कर सकते हो वो आपकी अपनी मर्जी है ठीक है अब दो तीन छोटी छोटी बातें और बता देता हूं यहाँ पे एक दो छोटी छोटी बातें बता देता हूं फिर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते चले जाएंगे सबसे पहले देखना कोई भी जैसे एग्जाम्पल से ही कर लेते हैं जैसे ये एक सीरीज दी हुई है यहाँ पे नंबर सिंबल दे रखे आपका लेफ्ट लेफ्ट होता है इसमें और आपका राइट ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है ठीक है यानी कि इधर हम जाएंगे तो ये लेफ्ट होगा हमेशा और इधर हम जाएंगे तो ये राइट होगा हमेशा कई बार ऐसे बोलेगा कि लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेफ्ट तो लेफ्ट हैंड से फिफ्थ कौन सा होगा लेफ्ट हैंड से फिफ्थ तो एक दो तीन चार पांच हो जाएगा फिर बोलेगा लेफ्ट हैंड से फिफ्थ के राइट में राइट में यहां से इसके राइट में जाऊंगा तो फिर से आगे जाना पड़ेगा इसके राइट में तीसरा अक्सर एक दो तीन तो देखो पहले बोला लेफ्ट फिर बोला उसके राइट तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आया अलग अलग तो लेफ्ट से फाइव बोला फिर उसके राइट तीन बोला तो देखो इधर से आठ हो गया कि नहीं हो गया टोटल मिला के लेकिन अगर यही बोलता लेफ्ट से पांचवा और उसके लेफ्ट में दूसरा लेफ्ट से पांचवा ये हो गया उसके फिर लेफ्ट में दूसरा जाएंगे तो ये हो जाएगा ये होगा कि नहीं होगा इसलिए देखो जब मैंने लेफ्ट राइट बोला लेफ्ट से फिफ्थ बोला था और राइट से थर्ड बोला था तब तो आठवां अक्षर मेरा आंसर था आठवां अक्षर मेरा आंसर था लेकिन जब मैंने लेफ्ट से फिफ्थ बोला और उसी के लेफ्ट सेकंड बोला तो आंसर आंसर मेरा था तीन था तीसरे नंबर का इधर से एक दो तीन ऐसे था तो यहां से एक छोटी सी चीज सीखने को आती है जो क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझाए देंगे कहीं आपको लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट अलग अलग, अलग बोले तो जोड़ देना उन पोजिशन को ऐसे एक एक की करके मत देखना जोड़ देना अभी क्वेश्चन के माध्यम से तो और क्लियर हो जाएगा हम लोग क्या कर देंगे, उन को कर देंगे। और डायरेक्ट जो माइनस करने के बाद में पोजिशन आएगी वही निकाल लेंगे सर आर नोटिफिकेशन आउट टूडे अच्छा ऐसा हो चुका है क्या सही बताओ अगर आउट हो गया है सही बताओ रे आउट हो गया क्या सच में किसने लिखा है भाई आकाश ने लिखा है कि सर आरआरबी नोटिफिकेशन आ चुका है अभी देख लेते हैं रुक जाओ दो मिनट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए अरे सच में आ गया क्या सारे लोग भाग जाएंगे अब क्लास से नोटिफिकेशन देखने मेरे हिसाब से नहीं आया है अभी अच्छा आ गई क्या ये कहां से देख के आ रहे हो तुम लोग सोर्स बताओ इसका मुझे लिख के एक बार सोर्स बताओ मुझे लिख के सोर्स बताओ भाई हाँ मैंने देख लिया जहां से आप देख के आ रहे हो वो आ गया मेरे सामने वो लोग मतलब ऐसे ही माहौल बना रहे हैं फालतू में हुँ, हुँ, हुँ। आ गया है भाई आर का नोटिफिकेशन आ गया है एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है मैं बता देता हूं आईबीपीएस आर आर बी की तरफ से आई बी की तरफ से एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर छोटा सा नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर डेट्स अनाउंस कर दिए और कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे एक जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है लेकिन अभी डिटेल्स नहीं आई हैं कितनी वैकेंसीज हैं कहाँ वैकेंसीज हैं तो एक बार आप सबसे एडवाइज है मेरा एडवाइज़ है कि एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आ जाने दो उसके बाद में अपना डिसीजन लेना जो भी लेना है ठीक है जो भी लेना है वो नहीं मेरे को लगा कि भाई नोटिफिकेशन आया तो देखते हैं कि क्या हुआ है चलो उम्मीद करता हूँ कि लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट वाला फंडा समझ में आ गया होगा अब देखो वैसे तो पाँच क्वेश्चन का सेट दूसरा आता है लेकिन मान लो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो भी क्यों छोड़े हम तो फटाफट तीस सेकेंड दे रहा हूँ करो इस क्वेश्चन को क्या आएगा इसका आंसर कमेंट करो देखो कुछ भी नहीं करना होता है आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करो पहले अक्सर को ए बी सी लगातार चल रहा है तो इसके अगले वाला क्या आएगा डी आएगा नंबर देखो दो चार छः तो अगला नंबर क्या आएगा आठ आएगा वाई पच्चीस नंबर पर आता है ये तेईस नंबर पर आता है इक्कीस नंबर पर आता है यानी दो दो का डिफरेंस चल रहा है अगला किस पे आएगा उन्नीस का ठीक है तो उन्नीस नंबर पर क्या आता है एस आता है तो ये आ जाएगा कैसे किया मैंने जैसे ये एक नंबर दो नंबर तीन नंबर तो आगे चार नंबर वाला लेटर आएगा डी यहाँ दो चार छः तो यहाँ आ गया आठ ये देखो यहाँ पच्चीस नंबर का लेटर था यहाँ तेईस का था यहाँ इक्कीस का था दो दो का डिफरेंस है तो अगला किस का आएगा उन्नीस का आएगा तो डी एट एस हो जाएगा यहाँ पे ठीक है डी एट एस हो जाएगा नेक्स्ट देखो करो एक बार फटाफट दस सेकंड का ही टाइम दूंगा मैं आप लोगों को फटाफट करो आप देखो फटाफट देखते हैं ये एक नंबर है तीन नंबर है पांच नंबर है तो यहाँ सात नंबर आना चाहिए सात नंबर मतलब जी आएगा देखो ये एक नंबर है ये तीन नंबर है पांच नंबर है तो यहाँ सात नंबर जी आना चाहिए जी के बाद में देखो नौ नंबर आना चाहिए आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ये देखो दो नंबर है छह नंबर है फिर दस नंबर है चार चार गड़े फिर तो आगे कितना फोर्टीन नंबर आएगा फोर्टीन मतलब एन आएगा तो जी एन आंसर हो गया नेक्स्ट ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तो इसलिए हम एक नंबर भी क्यों छोड़े हमारा नेक्स्ट देखिएगा भाई फटाफट देखना कितने कितने नंबर का कैसे कैसे डिफरेंस आ रहा है बस वो रिलेट कर लो थोड़ा सा उसके बाद में दिक्कत नहीं है करो भाई फटाफट देखो ये तीन नंबर दो नंबर चार नंबर ये सात नंबर पांच नंबर आठ नंबर ठीक है उसके बाद में क्या है ग्यारह नंबर दस नंबर और बारह नंबर अब इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तीन चार सात ग्यारह और चार 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 का डिफरेंस आ रहा है तो मतलब पंद्रह नंबर पे आएगा पंद्रह नंबर पे क्या आता है हमारा ओ आता है रिस्क लेना चाहो तो इस पर टिक कर सकते हो पर ऑफ दीज भी आंसर है तो मत लेना रिस्क ठीक है यहां हो गया देखो दो फिर पाँच फिर दस तो यहाँ बताओ क्या होना चाहिए देखो पहले तीन का डिफरेंस है फिर पाँच का डिफरेंस है ठीक है इसके बाद में कितने का डिफरेंस आना चाहिए बताओ दूसरे में देखो इसमें और इसमें सॉरी ये छः नंबर है यहाँ पे ठीक है पहले चार का डिफरेंस है फिर दोबारा से चार का डिफरेंस है तो यहाँ भी चार का डिफरेंस आएगा तो एन आएगा ठीक है उसके बाद में देखो ये चार का डिफरेंस चार का डिफरेंस चार का डिफरेंस तो बारह और चार सोलह सोलह यानी पी तो यही आएगा आंसर नेक्स्ट आ इस क्वेश्चन को कर लोगे तुम लोग करने की कराने की जरूरत है इसको इस पर आप, आप पे छोड़ दो मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा आपके आंसर देखूंगा बस सर ईडब्ल्यू एस डीवी के टाइम का समय बता सकते हैं अभी कुछ नहीं बताएंगे अभी पढ़ेंगे हम लोग इसका मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा एक जो भी नोटिफिकेशन आया है उसका अभी चिंता मत करो तुम लोग कुछ भी नहीं है देखो दो चार छ आठ तो दस आएगा दस का मतलब जे आएगा जे से देखो दो ही स्टार्ट हो रहे हैं तो देख लो अगला वाला ई कितना नंबर है पांच नंबर सात नंबर ठीक है नौ नंबर ग्यारह नंबर ठीक है पांच सात नौ ग्यारह तो आगे कितना आएगा तेरह आएगा तेरह मतलब यह है बस सब लोगों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड भाई सबका आंसर आ गया है नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारे मुद्दे वाले क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं ये तो एक आधा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ ताकि उससे आपको कभी नुकसान हो जाए ठीक है एक ही स्लाइड पे इस टॉपिक के पांच क्वेश्चन रखना बड़े मुश्किल थे जैसे बाकी टॉपिक्स में मैंने आपको दो मिनट का टाइम दिया पांच क्वेश्चन का सेट एक साथ दे दिया एक ही स्लाइड में पांच क्वेश्चन रखने बड़े मुश्किल थे इसलिए मैंने क्या किया एक एक करके ही क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं ऊपर आपकी सीरीज दी गई है उसके आधार पर आपको यहाँ पे आंसर्स करने क्वेश्चन के मैं आपको 10-20 सेकंड अब टाइमर क्या ही लगाऊंगा 10-10 सेकंड का दस बीस सेकंड सॉल्व करने का समय दूंगा हिंदी इंग्लिश में पढ़ो अच्छे से जिसको जिसमें पढ़ना है और आंसर ए बी सी डी में जो भी है वो कमेंट करें ये आंसर नहीं करेगा कोई ऑप्शन आंसर करेंगे ठीक है थीके? तो फटाफट करो भाई चलो इतना ही टाइम मिलेगा देखो इससे नहीं दे श्रृंखला से सभी स्वरों को छोड़ दिया जाता है तो निम्नलिखित में फॉलोइंग विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द टेंथ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड ठीक है आपको देखो राइट एंड से देखना है तो दाएं छोर से दसवें तत्व के ओर तो दाएं छोर से पहले दसवा तत्व, तत्व देखो देखो पहले मैं नॉर्मल बताऊंगा जैसे आप लोग सोच लेते हैं कोई नॉर्मल नॉर्मल इंसान सोचता है कि पहले मैं दाएं छोर से दसवा देखूंगा लेकिन मुझे वोवल्स को काउंट नहीं करना है वोवल्स कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू ये जो पांच वोवल्स होते हैं ना इनको काउंट नहीं करना है इनको छोड़ते हुए चलना है बाकी मुझे राइट हैंड से दसवा देखना है ठीक है तो एक दो तीन इसको छोड़ दूंगा चार पांच छ सात आठ नौ दस ये आ जाएगा ठीक है दसवा आ गया ठीक है दाएं छोर से दसवा एलिमेंट ये हो गया के बाएं से तीसरा अब इसके बाएं तीसरा देखना है तो इसका बाया ये होगा लेफ्ट इसके बाएं से तीसरा देखूंगा तो एक दो तीन यानी कि आंसर आ जाएगा एफ लेकिन अब ये दाएं बाएं ये सब करेंगे ना इससे थोड़ी सी एक दो सेकंड तो ज्यादा लग ही रहा है तो मैंने आपको क्या बोला था कि राइट लेफ्ट अलग अलग बोले अलग अलग अगर बोले तो जोड़ दो तो मैंने को मेरे को दस और तीन से मतलब ही नहीं है मैं ये सब कहानी नहीं दोहराऊंगा मैं सीधा सीधा बोलूंगा लेफ्ट राइट अलग अलग बोल रहे तो जोड़ दूंगा तो जोड़ूंगा तो मेरे दिमाग में दस प्लस तीन क्या हो गया तेरा हो गया थर्ड पोजिशन देखनी है किस साइड से देखनी है वो क्वेश्चन खुद बताएगा बोला दाएं छोर से तो वो दाएं छोर से ही देखनी है दाएं छोर से अब डायरेक्ट तेरा ही देख लूंगा मैं तो कई इस क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा इससे लेकिन कई क्वेश्चन में बहुत फर्क पड़ता है ठीक है अब दाएं छोर से डायरेक्ट तेरा ही देख लो लेकिन वोवल्स को छोड़ते हुए चल रहा है तो अब दाएं छोर से अगर वोवल्स को छोड़ेगा तो एक दो तीन आपके हाथ में देखो कर्सर रहेगा माउस रहेगा कर्सर से ही गिनना लिखना मत पेपर के अंदर ये सीरीज कुछ भी इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास में ठीक है ई एक छोड़ देंगे चार पांच छह सात आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह और कोई वोवल नहीं था बस एक ही था तो एफ आपका आंसर हो गया तो इस तरीके से हमें करना है कि अलग अलग अगर आते हैं तो जोड़ दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं देखो जो भी नए स्टूडेंट क्लास से जुड़े मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे न्यूमेरिक सीरीज़ के जो तीन लेटर वाले शब्दों वाले नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें ओड इवन नंबर प्लस माइनस पता नहीं कितने ऑपरेशन करता है चीज़ों को स्टेप वाइज वाले हर टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होगा इसलिए सारे लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट देखो अब इसमें क्या होता है ध्यान से समझना हाउ मेनी नंबर्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोव्ड बाय ए सिंबल प्रेसीडेड का मतलब पहले फॉलोव्ड बाय का मतलब बाद में हिंदी में भी पढ़ लो दी गई श्रृंखला में कितनी संख्या एक व्यंजन से ठीक पहले और ठीक बाद में एक प्रतीक है एक क्षण संख्या हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज है दी गई श्रृंखला में कितनी संख्या एक सेकंड रुको मैं लैंग्वेज ठीक कर देता हूँ हिंदी वालों को दिक्कत आएगी नहीं तो हाउ मेनी कुछ टाइपिंग मेरा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट यहाँ कर लो इस व्यंजन को बस इतना सा ही फर्क है ठीक है इसने बोला दी गई श्रृंखला में कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं किसी संख्याओं से ठीक पहले व्यंजन और ठीक बाद में एक प्रतीक है अब ठीक है ठीक है तो अब ऐसे क्वेश्चन में है ना स्टूडेंट क्या करता है जब भी आप लोगों ने सबने बहुत ही शानदार तरीके से ऑप्शन सी आंसर दिया है मैं समझ रहा हूं आप लोगों की बात ठीक है खाना वो सी आंसर आया कैसे है वो मुझे पता नहीं है कुछ-कुछ लोगों का ई आंसर भी आया है एकाद स्टूडेंट का तो देखते हैं क्या होता है देखो ध्यान से समझना इस चीज को किसी ने हिंदी में तो गलत नहीं पढ़ लिया हिंदी में गलत पढ़ने से हो सकता है कि गलत आंसर आ गया हो हिंदी में कई बार ऐसे हो जाता है अब इसको ठीक करके दोबारा से सोल्व कर लो पाँच दस सेकेंड में अब इसमें क्या होता है जैसे क्वेश्चन ने बोला कि कोई ऐसा नंबर है जिसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट और ठीक बाद में सिंबल आना चाहिए तो मैंने ढूंढा नंबर के ठीक पहले कॉन्सोनेंट बाद में ये बाद में ये ऐसे करते करते यहाँ से चेक करता करता यहाँ तक पहुँचूंगा तब तक तो भूल जाऊंगा क्या ठीक पहले था क्या ठीक बाद था ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा यही तो होता है एक तो एग्जाम प्रेशर होता है ऊपर से भूल जाते हैं हम हम सोचते हैं कि एग्जाम में यही तो देखना है कि पहले क्या है बाद में क्या एग्ज़ाम में देख लेंगे घर पर क्या प्रैक्टिस करनी इसकी यही तो गलती होती है इस टॉपिक के अंदर तो इसमें क्या होता है ना कि ऐसे भूल जाते हैं तो आपको करना क्या पेपर पर एक पे छोटी सी चीज़ लिखनी है इसने क्या बोला कि ऐसे कितने नंबर हैं हाउ मेनी नंबर्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट यानी कि नंबर के पहले तो कॉन्सोनेंट आना चाहिए एंड इमीडिएटली बाद में क्या आना चाहिए सिम्बल आना चाहिए तो कॉन्सोनेंट नंबर और सिम्बल का मुझे क्या करना है यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखना है इस सिक्वेंस के अंदर तो ये सी एन एस आपको पेपर पे लिख लेना है उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं उसके बाद में तो हम ऐसे निकाल लेंगे क्योंकि फिर भूलेंगे नहीं पेपर पे देख लेंगे कुछ गड़बड़ों के तो बीच में वरना हमें पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा तो हमें सीधा से देखना है कि कॉन्सोनेंट के बाद में नंबर और सिंबल ठीक है कॉन्सोनेंट के बाद में देखो टी था तो उसके बाद में कुछ नहीं आया यहाँ देखा की कॉन्सोनेंट के बाद में नंबर नहीं है आगे बढ़ता गया कॉन्सोनेंट के बाद में फिर नंबर नहीं है कॉन्सोनेंट के बाद में फिर नंबर नहीं है यहाँ देखो कॉन्सोनेंट के बाद में नंबर है और फिर सिंबल है ये एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गया आगे बढ़ा कॉन्सोनेंट के बाद में नंबर नहीं है कॉन्सोनेंट के बाद में नंबर है लेकिन सिंबल नहीं है

कोई नहीं है नहीं, एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें कॉन्सोनेंट के बाद में नंबर है बाद में सिंबल है ठीक है तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा फटाफट इस क्वेश्चन को करिएगा जल्दी से दस बीस सेकंड का समय दे रहा हूं फटाफट सोल्व करके कमेंट करते रहो तुम लोग देखो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है मतलब तो पाँच दस बीस सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं लेकिन थोड़ी मेहनत करोगे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो चीज़ें आराम से शॉर्ट आउट हो जाएंगी जैसे इस क्वेश्चन ने क्या बोला है निम्नलिखित पाँच में से चार एक तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं और एक अलग है इन समूह समूह में से यानी कि इन चारों में से कुछ न कुछ में एक समूह है ये यार ये तीसरा ऑप्शन ऐसा क्या है ये एक सेकंड रुको ये बी और सी ऑप्शन क्या है एक सेकंड रुको मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि ये ऑप्शन होंगे ये बी और सी यहाँ गलत आ गया ये ऑटो उसमें आ जाता है ना कई बार ए बी सी ऑटो लाइन के अंदर जो पीपीटी बनाते थे तो उसमें आ गया तो मेरे हिसाब से ये ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन ई e, ऑप्शन ये गलत आ गया है यहाँ पे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आ जाओ अब देखना नाम दे फोर एंड यू तो आप देखो फोर कहाँ है एंड कहाँ है फोर य एंड एरा और यू येरा ठीक है तो ये कॉम्बिनेशन है कि ए, फो दो पास पास में आएंगे एक आगे आएगा उसके बाद में सिक्स वाई और ये देखना है तो सिक्स कहाँ है सिक्स येरा वाईरा ये और उसके बाद में जो सिम्बल है इसके पीछे आ रहा है ब्रैकेट वाला तो ये भी सेम टू सेम है कि दो पीछे एक आगे सेवन और ये वाला सिम्बल और पी तो कहाँ है भाई सेवन किधर है सेवन और दो छोड़ के ये वाला सिंबल उसके बाद में पी पीछे वाला है क्या ये भी वही कॉम्बिनेशन है कि भाई सेवन दो छोड़ के आगे वाला फिर एक पीछे वाला ये भी वही कॉम्बिनेशन है ठीक है उसके बाद में नाइन ई एच नाइन के बाद में देखो दो छोड़ के ई e आ रहा है और पीछे वाला फिर एच आ रहा है सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है ये देखो ना वन फाइव ई वन कहा है फाइव कहाँ है और ई e कहाँ है देखो वन कहाँ है सबसे पहले वन वन के आगे दो छोड़ के आना चाहिए था ये पांच लेकिन ये तो एक छोड़ के ही आ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा ठीक है मतलब इसका कॉम्बिनेशन कैसे बना है पहला लेटर उसका दो छोड़ दो उसके बाद में जो आ रहा है वो और उसके बाद में पीछे वाला तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना रहा है तो ये वाला कॉम्बिनेशन इनके जैसा नहीं है पोजिशनिंग इनकी इनके जैसे नहीं है, है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है फटाफट इसमें करो भाई इसके लिए आपको देखो कंपोजिट इंटीजर क्या होता है कंपोजिट नंबर क्या होता है ठीक है और प्राइम नंबर क्या होता है ये पता प्राइम नंबर तो देखो मैंने पहले भी बताया है ठीक है देखो ऐसी चीजें बीच में सीखते जाएंगे प्राइम नंबर क्या होता है नंबर सीरीज में बताया था जिसमें किसी का भाग नहीं जाता दो तीन अभाज्य संख्या है सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस ऐसे बढ़ते चले जाएंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है कंपोजिट नंबर वो होता है जब कोई दो छोटे छोटे इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स को गुणा करके कोई संख्या बनाई जाती है जैसे दो गुणा तीन छह ठीक है जब कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तब जो नंबर बनता है दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे तो वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है ठीक है अब आ जाओ इसने क्या बोला क्वेश्चन में जब बाएं छोर से दूसरी अभाज्य संख्या बाएं छोर मतलब ये बाएं छोर से दूसरी अभाज्य संख्या तो मैंने मेरा कर्सर उठाया मेरे पास तो पेन पेपर होगा नहीं कि बोर्ड वहां पर स्क्रीन पर चला दूंगा एग्जाम में तो मेरे पास कर्सर का माउस होगा वो कर्सर दिख रहा होगा मैं लेफ्ट एंड से दूसरी अभाज्य संख्या देखूंगा लेफ्ट एंडियर ये तो भाज्य संख्या है ये प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पे दूसरी पहली प्राइम पहला प्राइम नंबर कहीं दो ही मत ले लेना दूसरा प्राइम नंबर पे तीन आ गया दूसरा प्राइम नंबर परिणाम क्या होगा जब बाएं छोर से दूसरी अभाज्य संख्या को श्रृंखला के बाएं छोर से पहली संयुक्त संख्या से गुणा किया जाए बाएं छोर से पहली संयुक्त संख्या क्या होगी जिसको दो छोटे छोटे इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो बाएं छोर से पहली यही संख्या क्या पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो जाएगी दो गुणा दो जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग नंबर ही हो ठीक है ना सेम नंबर भी हो सकते हैं तो चार गुणा तीन कितना आ जाएगा बारह आंसर हो गया बी एक बार मुझे कमेंट करके बताओ सारे के सारे लोग कि ये कंपोजिट नंबर वाला फंडा समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों ने बारह आंसर कर दिया क्या बात है हाँ किसी स्टूडेंट ने सीक्वेंस भी कमेंट किए कि सर चार छः, आठ दस ये सब लोग क्या हैं कंपोजिट नंबर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो च ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स देट कम बिटवीन सेकेंड इवन नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड फोर्थ ओर्ड नंबर फ्रॉम राइट हैंड ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा शार्थक शब्द बाएं छोर से दूसरी सम संख्या और दाएं छोर से विषम संख्या के बीच आने वाले अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है ठीक है तो सबसे पहले जो बोल रहा है उसको वैसे वैसे करते चले जाओ बाएं छोर से दूसरी सम संख्या ये बाया छोर है उससे दूसरी सम संख्या है ये सिक्स यही है उसके बाद बोला दाएं छोर से विषम संख्या के बीच दाएं छोर से विषम संख्या कौन सी है ठीक है सेकंड और दाएं छोर से चौथी विषम संख्या यहां चौथी लिखना है ये तो वो हिंदी में कई बार गायब कर देते हैं ठीक है सेकेंड इवन नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड फोर्थ ओड नंबर फ्रॉम राइट एंड राइट एंड से फोर्थ ओड नंबर कौन सा है? एक रहा दो रहा तीन रहा इसके बीच में कितने वर्ड्स आ रहे हैं ये आ रहे देखो उसके बीच में देखो एम ए पी आ रहा है क्या देखो एम बी आ रहा है ए बी आ रहा है पी बी आ रहा है ठीक है आ रहा है तो ये बनाया जा सकता है पी ए एल एम तो ए और पी तो देख लिया था एम बी देख लिया क्या एल भी आ रहा है क्या एल भी आ रहा है देखो ठीक है ग्लेड ठीक है तो एल ए तो अपन ने देख ही लिया था एल ए तो आ ही रहा था अपन ने जी और डी आ रहे हैं क्या देखना जी भी आ रहा है और डी आ रहा है क्या बताओ डी नहीं आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा एक बार फिर से देख लो फिर से देखो फटाफट ये चौथी यहां पे देखो हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ो भाई हिंदी में मिस्टेक मिल सकती है आपको मैं खुद मान रहा हूं इस चीज को ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो गया भाई इस बार ठीक है ये क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन जो पांच सेट का सेट का था खत्म हो चुका नया चुक है नया क्वेश्चन आ चुका है फटाफट करेंगे इसको एक सेकंड रुकना यार ये क्वेश्चन क्या है मुझे समझ नहीं, नहीं आया फाइंड द इसमें कुछ मिस्टेक है फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट यूज यूजिंग द अल्फाबेट्स कैन नॉट मेड इसमें कहने का मतलब ये है लैंग्वेज में छोड़ दो मैं बता देता हूँ कि इस श्रृंखला में जो लेटर्स दिए गए हैं उसके उससे कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं तो एक ऐसा शब्द जो नहीं बनाया जा सकता वो निकालना है आपको बताओ आप देखो ब्रिक है ब्रिक में पांच हटा बी आर आई सी के तो देखो बी भी है आर भी है आई है क्या आई भी है ठीक है ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा सी भी है और के भी है क्या के है क्या देखना के भी है तो ये तो बनेगा इससे बनेगा वर्ड लिप्स में देखना एल है क्या एल है ई है क्या ई भी है देखो पूरा ए है क्या ए तो था ठीक है पी है क्या देखना पी भी है एस देखना एस है क्या ऑब्जर्व करना है बस एस नहीं है एस इस सीरीज में नहीं है तो ये वाला जो वर्ड है ना ये इस सीरीज में जो वर्ड लेटर्स आ रहे हैं उनसे नहीं बनेगा अच्छा मनीष कश्यप जिंदाबाद ये कौन आ गया बीच में कौन है भाई ये मनीष कश्यप कुछ लोग आर आरबीपी ओ नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पढ़ लो नोटिफिकेशन आ गया फॉर्म भर देंगे वैकेंसी देख लेंगे कितनी है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना सिलेक्शन तो नोटिफिकेशन देखने से होगा नहीं है ना देखो व्हाट इज द एलिमेंट विच इज सेवंथ टू द राइट सेकंड व्हाट इज द एलिमेंट विच इज सेवंथ टू द राइट ऑफ एलिमेंट विच इज एट टू द लेफ्ट ऑफ ई ठीक है वह कौन सा तत्व है जो ई e के बाएं से आठवें तत्व के दाएं से सातवां तत्व है अब मुझे बताओ बाया और दाया आया है तो क्या करूंगा मैं बताओ जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा ठीक है तो सात और आठ कितना हो गया पंद्रह हो गया ठीक है इसने राइट बोला फिर लेफ्ट बोला अब राइट से देखूंगी ई के लेफ्ट से देखूंगा ई ये रहा। तो, अब मेरे को लेफ्ट राइट मिला तो मैंने सात प्लस आठ पंद्रह तो कर दिया अब प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम कुछ और प्रॉब्लम है कि सर कहां से देखो तो इसने बोला ई के बाएं से आठवा तो जहां से स्टार्ट होता है ना ई के जाना है ना मैं ई से चलना है तो बाया ही चलना है लेफ्ट ही चलना है तो ई के लेफ्ट में पंद्रवा देख लो ठीक है एक सेकंड होगा ना पीछे जाना कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन में एक है ना थोड़ा सा चेंज कर लो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं पंद्रह तत्व तो आएंगे ही नहीं कि इधर थोड़ा सा चेंजमेंट कर देता हूँ मैं इसमें ठीक है तो अगर हम लोग देखेंगे ई के बाएं से आठवा तो बाएं साइड ई के बाया इधर आएगा तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये आ गया ठीक है अब इसके क्या बोल रहा है दाया इधर बोल रहा है ठीक है तो इसके दाया नहीं वापस चलना पड़ेगा एक दो तीन चार पांच छह सात सात नंबर पर यह आएगा ठीक है तो इसमें अपना जो कॉन्सेप्ट था वो कहां गया जो हमने सीखा था जोड़ने वाला फिर से उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं एक बार हाँ एक बार देखते हैं इसको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था एक बार उस वर्ड से अगर पूछे लेटर से पूछे आगे पीछे तो उसका भी बता रहा हूं आप बोला इससे मतलब यदि संकला के सभी स्वरों को छोड़ दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से दसवें तत्व के बाया होगा यानी कि मुझे दाएं छोर से देखना था दाएं छोर से दसवा कौन था तो मैंने यहाँ से गिना था वोवल्स को छोड़ते हुए ठीक है दाएं छोर से दसवा गिना था तो मैंने वोवल्स को ही को छोड़ दिया था एक दो तीन ठीक है चार पाँच छः सात एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस आठ नौ दस ठीक है ये था मेरा दाएं छोर से दसवें तत्व है के बाएं अब बाया इसके तो इधर होगा ठीक है के तीसरा तो एक दो तीन ये आ गया था तीसरा लेकिन इसमें क्या था एक छोर से देख रहे थे हम लोग छोर मतलब एंड से देख रहे थे हम लोग कौन है भाई मैं क्यों चलाऊ किसी के लिए ट्विटर अभियान मुझे काम पढ़ाना है आपका काम पढ़ना है पढ़ लो यार है ना सर आर आंसर होगा आर नहीं होगा ठीक है एक छोर से अगर हम लोग चलते हैं तब ये बात है लेकिन इसने यहां पे छोर से नहीं बोला है ठीक है इसने वो ये बोला है वाट इज द एलिमेंट विच इज सेवंथ टू द राइट ऑफ एलिमेंट विच इज एट टू द लेफ्ट ऑफ ई ई के लेफ्ट में मैं अगर जाऊंगा तो आठवें नंबर पे आ रहा है उसके फिर राइट में जाऊंगा ठीक है तो लेफ्ट में आया ठीक है फिर इसके राइट में जाऊंगा तो फिर इधर आ जाऊंगा मैं ठीक है लेकिन अगर यही एंड से होता लेफ्ट एंड से होता है ना लेफ्ट एंड से मैं बोलता लेफ्ट एंड से कुछ आया और तो फिर राइट चला गया है ना लेफ्ट एंड इधर होता है लेफ्ट एंड से आया फिर राइट चला गया तो जब एक एंड होता है तब जोड़ दिया करो, ठीक है बाकी जैसे मैंने बताया इसमें उस तरीके से निकाल दिया सर सिंबल को भी काउंट करना सबको ही काउंट करना था भाई एलिमेंट बोला है मतलब सबको काउंट करना था ये कोने में मैथ्स भाई जी ये सबको ही काउंट करना था ठीक है तो सीधी सी बात है कि हमें अगर एक एंड से दिया जाएगा तब तो हम जोड़ने घटाने वाली चीज़ लगा देंगे किसी लेटर से दिया जाएगा किसी लेटर से दिया जाएगा तब हम लोग उल्टा कर देंगे उसका जस्ट ठीक है समझ गए एंड से करेंगे तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो पहले बताया था लेटर से होंगे तो जस्ट उल्टा अब लेटर से था ये लेटर थे साथ तो जस्ट उल्टा कर दूंगा मैं इसका यानी कि यहां अगर लेटर से किसी एलिमेंट से आगे पीछे चल रहा है बीच में से कोई एलिमेंट उठा लिया उसके अगर आगे पीछे चल रहा है तब आपको जस्ट उल्टा करना है क्या करना है उसका उल्टा करना है तो अगर नॉर्मल एंड से होता तब दाएं बाएं का मैं क्या करता जोड़ देता लेकिन यहां माइनस करूंगा तो यहां माइनस करूंगा ये ई चलना किधर था ई से बाई साइड चलना था तो एक नंबर वाला एलिमेंट यही हो जाएगा जो कि यूरो का साइनस है ठीक है तो ये फटाफट एक सेकेंड में यह आंसर आना चाहिए कैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं एंड से जब होता है तब प्लस लेफ्ट राइट में प्लस करेंगे और सेम जब होता है तो माइनस करेंगे लेकिन अगर किसी एलिमेंट से होता है या दोनों का मत याद रखना तो आपको इतना याद रखना है कि उल्टा करना है इसका ऐसे मत याद रखना कि भाई इसमें माइनस प्लस जाओगे ठीक है है एक ही चीज याद रखनी क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ने थोड़ा सा हिंदी में मत पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो थोड़ी सी दिक्कत कम आएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है वो समझ में आया होगा अगर एक एंड से कर रहे हैं तब सीधा कौन से किसी एलिमेंट से कर रहे हैं तो जस्ट उल्टा कर दीजिएगा उसका ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है देखो इस क्वेश्चन में इसने बोला ये चार लेटर्स को तो हटा देना रिमूव आर आई एल ई फ्रॉम द सीरीज देन फाइंड द नंबर्स ऑफ कॉन्सोनेट बिटवीन के एंड एम के तो ये रहा और एम ये रहा इसके बीच में कॉन्सोनेंट फाइंड कितने हैं वो देखने हैं ठीक है थीके? तो ये आप लोग आर आई एल ई तो हटा देना ठीक है तो आर तो काउंट नहीं करना है ठीक है एक येरा एक तीसरा ये रहा ठीक है ना तीनों क्या कॉन्सोनेंट है कौनसुनेंटे? एल काउंट नहीं करना है देखना जेड काउंट करना है चार वाई भी काउंट करना है पाँच ये ठीक है ये तो वोवल है छ है ठीक है तो आर और एम के बीच में कितने हो गए भाई एक ये वी भी है देखो वी भी है ठीक है ना तो कितने हो गए टोटल सात हो गए वी बी डी एच चार ही हो गए एक तो तीन ही हो गए वोवल्स को हटा देना है और ये जो चार क्वेश्चन ने बोले इनको काउंट नहीं करना है ठीक है उम्मीद है समझ में आया वोवल्स इसलिए हटाने क्योंकि कौन सो नेंडी पूछे हमसे व्यंजन ही पूछे हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ कुछ नहीं पूछा इसने ये इसने बोला यदि प्रतीक इसको छोड़कर सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए इसको रखना है एक को बाकी सबको हटा दिया जाए तो दाएं छोर से तेईसवा तत्व कौन सा है दाया छोर ये है ठीक है ना इस तत्व इसको रखना है बाकी सारे सिंबल काउंट नहीं करने तो आपके पास में देखो मैं बताता हूँ आपको एग्ज़ाम में दिक्कत क्या आती है एग्जाम में हमारे पास में ऐसे मेरे जैसी सुविधा तो होगी नहीं आपके पास में आपको तो बेसिकली देख के अंदाज़ा लगाना होगा तो आपको कर्सर से अंदाजा लगाना होगा कि आपका कर्सर वहाँ ले जाना पेपर पेन पे मत लिखना सीधी सी बात है इसको तो काउंट कर लेना है और बाकी सब प्रतीकों को हटा दो और तेईसवा देख लो राइट हैंड से ठीक है ना तो कौन सा देखना है तेईसवा तत्व ज्ञात करो ठीक है इसको रखना है बाकी प्रतीक को काउंट नहीं करना है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ इसको काउंट करेंगे दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, उन्नीस इसको काउंट नहीं करना है बीस इक्कीस बाईस तेईस कर्सर से ही आपको काउंट करना है ऐसे जैसे जैसे मैंने किया तो आपके वहाँ पे तीर का साइन कर्सर आपके पास होगा तो आपको उससे करना है करो फटाफट आय के दाई से पांचवी आई के दाए में पांचवी संख्या एक दो तीन चार पांच यानी कि नौ सी के बाएं से पांचवी संख्या सी कहां है सी रहा सी के बाएं पांचवी एक दो तीन चार पांच पांच उसका गुणनफल क्या होगा पैंतालीस ठीक है दाएं पांचवी का मतलब ये नहीं कि संख्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर फिफ्थ फ्रॉम द राइट ऑफ आई एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी तो ये ज्ञात करना है पैंतालीस आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो दो मिनट पानी भी लेता हूं मैं आ जाओ क्या बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रीवियस अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज फॉर द एलिमेंट विच इज एटीन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अब क्या है लेफ्ट हैंड से अठारहवा एलिमेंट क्या अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार बाएं छोर से अठारहवें तत्व के लिए पिछला वर्ण क्या है बाएं से अठारह काउंट कर लो ठीक है तीन तीन छ तीन तीन नौ तीन, तीन चौक बारह तीनों पुंजों पंद्रह और तीन छठारह यानी एन आएगा 18 नंबर पे एन आएगा तीन तीन करके काउंट कर लेना वहां पे आप भी तो अठारह से एन से पिछला क्या होगा तेरह नंबर यानी कि एम होगा तो आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन कर जल्दी से करो भाई क्या बोल रहे जैसे बोल रहे हैं वैसे कर दो यदि ए और बी को आर और एच के बीच इस प्रकार रखा जाता है कि ए को पहले रखा जाता है और बी को ए के बाद रखा जाता है तो दाएं छोर से आठवां तत्व तो क्या होगा ए और बी को आर और एच के बीच में रखना है ठीक है ना तो आर और एच कहा है साहब ठीक है आर ये एच कहा है रहा ठीक है इस तरीके से रखा जाता है ठीक है इनके बीच में कहीं अपन लोग रखेंगे किसको ए और बी को रखेंगे तो ए को पहले रखा जाता है बी को बाद में रखा जाता है इस तरीके से बोल रहा है फिर बोला दाएं छोर से आठवा तत्व क्या तो पहले वैसे नॉर्मल छोर से आठवा तत्व हो क्या होगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये होगा ठीक है क्या बोल रहे हो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आर सी यू ऐसे अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई सबके हैं एक बार कमेंट पढ़ता हूँ किसके क्या एक बार कमेंट करा करो भाई ये इंद्रजीत ने जी एक बार ही एक स्टूडेंट कमेंट करेगा सर सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल को लीनियर लेकर करें या आंसर प्लीज नहीं नहीं सर्कल को सर्कल लेकर ही करो शर्मा जी की वाइंस देखो इस क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज को अच्छे से समझो आर और एच रहा आर रहा और एच रहा ठीक है अब आपका आठवां एलिमेंट यहाँ पे ही आ रहा है अगर इसमें कोई चेंजमेंट है तब तो आपको करना पड़ेगा ठीक है अब आर और एच के बीच में ए और बी को रखना है तो बी को ए के बाद यानी ए को बी से पहले रखा जाएगा और बी को ए के बाद तो इसके बीच में देखो कितने एलिमेंट है देखना येरा आर और ये एच एक बार ध्यान से एक चीज देखना कि इसके बीच में कितने एलिमेंट आ सकते हैं देखो चार चार आठ ठीक है चार किया बारह बारह हो गए ठीक है अगर मैं बारह और ये हो रहे हैं तीन पंद्रह ठीक है चार चार आठ और चार बारह और तीन पंद्रह एलिमेंट ठीक है इन पंद्रह एलिमेंट के बीच में के बीच क्या होगा उसका वो देखो आप लोग ठीक है इन पंद्रह एलिमेंट का बीच कहीं इधर उधर होगा यहां कहीं होगा बताओ आंसर कैसे कर रहे हो आप लोग ठीक है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ये बीच की जो पोजीशन है ना वो यहाँ कहीं आएगी पंद्रह में इसने बोला कि बीच में रखना है यदि ए और बी को आर और एच के बीच में इस प्रकार रखा जाता है कि ए को पहले रखा जाता है बी को ए के बाद में तो भाई आर और एच की मिडिल पोजिशन निकालनी पड़ेगी वहां पर ए और बी को रखेंगे तो यहाँ से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा देखना यहाँ पे कहीं आएगा तो ये किस किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ठीक है तो मेरे हिसाब से आंसर यही हो जाएगा कोई बदलाव होगा ही नहीं वो ऐसे ही दे रखा है तो इसी को ऐसे कर लो और ये आंसर हो जाएगा ठीक है वो कन्फ्यूज़ करने के लिए लैंग्वेज दे रही है और कुछ नहीं है हटाओ नेक्स्ट करो क्वेश्चन बोल रहा है सभी विषम संख्याओं और स्वरों को समाप्त करने के बाद तत्व को ठीक बीच में से खोजें विषम संख्या ठीक है ठीक बीच में कौन सा आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल एलिमेंट नंबर इन मिडल आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहेंगे कितने लोग करना चाहेंगे जो लोग करना चाहते हैं वो वाई लिखना और जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो एन लिखना है यहाँ पे एक छोटी सी बात सिखाने का प्रयास करूंगा अगर आप सीखना चाहो तो सर अगेन प्लीज अगेन का मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में यह था कि जो वो करवा रहा था उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था करके देख लेना आप तो उस बात का मैंने अंदाजा लगाया सीधा और सीधा आंसर कर दिया अच्छा जो लोग वाई लिख रहे हैं वो लोग मुझे सेकेंड्स से में लिख के बताएं सर कितना सेकंड लगा आपको करने में इसको अगर आप खुद के लिए करते हैं तीस चालीस की पचास की दस कितना लगा आपको एक स्टूडेंट लिख रहा है कि सर मेरे मैंने किसी से फ़ोन ख़रीद लिया था वो चोरी का फ़ोन था तो मेरे ऊपर केस लग गया है तो मेरे एग्जाम में इफ़ेक्ट पड़ेगा क्या वो उसमें फ़ोरम आता है एक उसमें आप मेंशन करना पड़ेगा आपको कि मेरे पैसे से कैश हो रखा है सर इसमें देखो कर सकते हो आप लोग लेकिन मान लो आप एकदम से लास्ट में पहुंचे और आपको सेकंड्स में ही आंसर करना है आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और भी इजी क्वेश्चन आगे बचे हुए हैं तब आप इसको एक बार स्किप करने की सोच सकते हो लेकिन मैं बोलूँगा करना ही है लेकिन मान लो समय नहीं है बिल्कुल कुछ मिनट्स ही बचे हैं लास्ट के और आपको भागते हुए करने हैं तब इसको छोड़ देना क्यों इसने बोला कि विषम संख्या और स्वरों को समाप्त करने के बाद तत्व के ठीक बीच में कौन है तो आपको सबसे पहले तो गिनने पड़ेंगे कितने तभी तो ठीक मिडिल मिडिल कैसे पता लगेगा जैसे कितनी संख्याएं हैं कितने लेटर्स हैं तभी तो मिडिल पता लगेगा तो आपको सभी विषम संख्या और स्वरों को समाप्त करना है समाप्त करके पहले सबको काउंट करना पड़ेगा ठीक है कारो काउंट वोवल्स और उसको काउंट कर, करना पड़ेगा विषम संख्या यानी ओड नंबर्स और वोवेल्स को हटा के सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा कितने हैं फिर मिडिल देखना पड़ेगा ठीक है तो देखते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ वोवेल्स हटाने विषम संख्या रहनी है नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस चौबीस है चौबीस है क्या देखना भाई ठीक है चौबीस है एक इस एल है या आई है ये मुझे समझ नहीं आया एल तो वैसे लिखेगा तो आई ही है ये तो ठीक है तो चौबीस हो गए तो कोई ऐसा तो नहीं है जिसको अपन ने गलत हटा दिया ठीक है ये कन्फर्म करना पड़ेगा आप लोगों को है ना तो ये चौबीस हो गए पूरे के पूरे अब इन चौबीस में से बीच का कौन सा होगा पच्चीस है क्या चलो दोबारा से देख लेते हैं दोबारा से देख लेते हैं विषम संख्या और उसको हटाना है वो बल्स को हटाना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह दो दो पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस चौबीस ही तो हैं यार पच्चीस कहाँ से आ गए तुम लोगों के सर एन इज़ आंसर तेरह नंबर पर है भाई चौबीस ही तो है जल्दी से बताओ चौबीस पैथे कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे भाई हमने छोड़ा किस किस को है ए थ्री को छोड़ दिया उसके बाद में इस आई को छोड़ दिया अगर ये आई ही है तो वन को छोड़ दिया ए को छोड़ दिया यहाँ पे ए आई ओ यू ये वोवल है सात को छोड़ दिया ए को छोड़ दिया इधर यू को छोड़ दिया ए को छोड़ दिया नाइन को छोड़ दिया चौबीस ही तो है चौबीस ही है ना तुम लोग पच्चीस कहाँ से ऐसे अंदाजा मार रहे हैं तो बताओ चौबीस का कुछ मिडल हो सकता है मान लो मैं चार संख्या लिख दूँ इन दोनों का मिडल कौन सा है बताओ ऐसे ऐसे लिख दूँ इनका मिडल कौन सा है चार में से दोनों मिडल होते हैं तो ऐसा कोई सिंगल तो है नहीं तो देर इज नो मिडल एलिमेंट ये आंसर होगा ठीक है सर चौबीस में एग्जैक्ट मिडिल कैसे पता चलेगा तभी तो देर इज नो मिडिल एलिमेंट हम ये बोलेंगे कोई मिडिल एलिमेंट नहीं है ठीक है यहां पे आंसर होगा देर इज नो मिडिल एलिमेंट ध्यान रखना भाई नेक्स्ट आ जाओ करो फटाफट जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करो आप इसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं आपने मेरे को ना गलत कमेंट करके तीन चार बार गिनवा दिए चौबीस है ना दाएं छोर से चौबीसवा देखना है क्या रहा है आंसर इसमें बड़ी दिक्कत आ रही होगी कि सर इनको उल्टा कैसे करेंगे कुछ नहीं है देखो कुछ करना ही नहीं है पेपर तो लिखना ही नहीं है अब मैंने पता है जानबूझ के अच्छे क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे क्योंकि बहुत ईजी आएंगे तो वो तो आप कर ही दोगे एग्जाम में तो जानबूझ के अच्छे लैंग्वेज के क्वेश्चन लिए हैं फर्स्ट लिएफ्टीन एलिमेंट आर रिवर्स्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड यानी कि पहले पंद्रह एलिमेंट मतलब तीन और दो पाँच तीन दो पाँच दस और ये पंद्रह इन एलिमेंट को उल्टा कर दिया जाए यानी कि ये वाला इधर आ जाएगा और ये सारे इधर आ जाएंगे इतना दिमाग में रखना है आपको कि आर तक मुझे उल्टा करना है पंद्रह एलिमेंट आर तक हो गए अब मुझे देखना है दाएं छोर से चौबीस हुआ तो गिनता हूं मैं इनमें फर्क पड़ा है यहां तक तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है तो अभी दाएं छोर से देखता हूं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस तक तो ओ आ गया अब बीस के बाद में जो एलिमेंट उल्टे हो चुके हैं तो दिमाग में सोचना है कि ये ए इधर आ चुका है तो बीस के बाद में इक्कीस व ए होगा बाईस ये होगा तेईस ये होगा चौबीस नंबर पर क्या आ जाएगा के आ जाएगा तो के इज योर आंसर उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा क्या हुआ क्वेश्चन ने बोला कि इन पंद्रह एलिमेंट को जस्ट ऐसे उल्टा कर दो तो करके नहीं देखना है सोच लेना है दिमाग में बीस तक यहां आ गए तो अब आपको दिमाग में पता है कि ये सब इधर आ चुका है तो इसके बाद में किसकी गिनती यहां से स्टार्ट करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कर लिया देर में तो ये वाला क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं इफ ऑल द डिजिट्स इन सीरीज आर मल्टीप्लाइड विदू इज सबको दो से गुणा करके जोड़ना है तो इससे बेटर है कि सबको जोड़ो लो फिर दो से गुणा कर देना एक ही तो बात है तो सबको जोड़ लेते हैं तीन और आठ ग्यारह और एक बारह ठीक है बारह और सात उन्नीस और उन्नीस और नौ कितना हो जाएगा दूनी छप्पन सबको जोड़ा अट्ठाइस आ गया फिर लास्ट में दो से गुणा कर दो अब आपको ये जबरदस्ती गलत सोचा होता है आप सोचोगे तीन दूनी छह छह को जोड़ा सोलह में दो ऐसे जोड़ोगे तो इससे बेटर है कि सबको जोड़ के दो से गुणा कर देना हर एक को दो से गुणा करना है तो लास्ट में सबको एक साथ कर देना दो से गुणा नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसकी प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा मैं आगे अभी रुक जाऊ ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है यहाँ पे देखो सारे नंबर ही नंबर हैं ऐसे सारे लेटर्स भी हो सकते हैं बताओ क्या है आंसर जल्दी से कमेंट करो तुम्हारे कमेंट क्या है मेरे पास पाँच दस सेकेंड लेट आते हैं थोड़ा सा मैं वेट करने में लग जाता हूँ तुम्हारे कमेंट्स का बताओ भाई सी ऑप्शन आया क्या ज़्यादातर लोग सी सी कर रहे हैं देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है विच इज ऑफ द फॉलोइंग फॉलो टू द राइट ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अबोव दरेंजमेंट निम्निखित में से कौन सा उपरोक्त व्यवस्था के दाएं छोर से इक्कीसवे अंक के दाई और छठे स्थान पर है यहां पे एक छोर की बात हो रही है जब मैंने बोला एक एंड की बात होती है तब हम राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट को तो माइनस करते हैं लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट को क्या करते हैं प्लस करते हैं लेकिन अगर यही किसी एलिमेंट से होगा तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा ये सब आपको ध्यान में होगा बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि भूलो ना इसमें बताओ एक एंड की बात हो रही है कि नहीं हो रही है निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त व्यवस्था की दाई छोर से इक्कीस यानी इक्कीस के दाई और छठे स्थान पर इक्कीस माइनस कितना बचा पंद्रह पंद्रह देखना है दाई छोर से बस कुछ भी नहीं देखना है दाई छोर से पंद्रह देखोगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ठीक है तो बताओ क्या आंसर आएगा सी आएगा या डी आएगा कुछ लोग सी कर रहे थे कुछ लोग डी कर रहे थे ठीक है तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है अगर एक एंड की बात होगी तो ही ये वाला रूल लगाएंगे एलिमेंट से बोलेगा अगर इससे बोलता तो जस्ट उल्टा करते हैं हम लोग वो पीछे जो क्वेश्चन करवाया था जिसने पूरी क्लास ली है उसको पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने दो हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक विषम संख्या है देख लो टू और ओड नंबर का कॉम्बिनेशन देखना है दो के बाद ओड नंबर होना चाहिए लिख लेना अगर भूल जाओ तो ठीक है दो के तुरंत बाद में विषम संख्या देखो भाई ठीक है एक कॉम्बिनेशन दो ये दो के बाद विषम संख्या दूसरा एरा दो के बाद विषम संख्या आ जाओ तीसरा एरा दो के बाद विषम संख्या यहाँ दो के बाद विषम संख्या नहीं है सम संख्या है यहाँ भी दो के बाद सम संख्या है यहाँ देखो दो के बाद विषम संख्या है ठीक है चार कॉम्बिनेशन तो ये हो गए यहाँ दो के बाद सम संख्या है तो चार कॉम्बिनेशन होंगे दो के बाद ऑर्डर नंबर कौन सा ये देखना था बस नेक्स्ट आ जाओ यदि व्यवस्था के पहले भी इस अंकों को उल उलट कर दिया जाए तो दाएं छोर से सत्तरवा तत्व कौन सा अंक होगा पहले मैंने कराया है ऐसा क्वेश्चन पलटने वाला तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा इसका तो सब सही आंसर दो फटाक जल्दी कैसे देना है वो समझ में आना चाहिए देखो यदि व्यवस्था के पहले बीस अंकों को उल्ट कर दिया जाए पहले बीस अंक मतलब पांच पाँच दस ऐसे ही कर्सर लगा के आपको गिनना है वहां पे ठीक है ना पंद्रह और पांच बीस यानी यहाँ तक के इस आठ तक के अंक को उल्टा हो जाएगा अब मुझे दाएं छोर से सत्तरवा देखना है तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह तक तो ठीक है मेरा यहाँ तक पंद्रह के बाद में सीरीज उलट चुकी है तो सोलवा ये होगा और सत्तरवा ये होगा तो आंसर हो जाएगा नौ क्यों हुआ क्योंकि सीरीज पलट चुकी है बीस अंकों की शुरू में तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा नाइन ऐसा क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूं उम्मीद है समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन करो भाई कुछ भी नहीं है व्यवस्था में ऐसे कितने पांच हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और साथ ही तुरंत बाद में विषम संख्या है यानी कि पांच के पहले भी वोड नंबर होना चाहिए बाद में भी वॉर्ड नंबर होना चाहिए देखो भाई पांच को ढूंढो यहाँ पे पहला कॉम्बिनेशन तो ये रहा पांच के पहले भी ओड बाद में भी ओढ़ आगे गए देखो पांच के पहले ओड है लेकिन बाद में ओड नहीं है ख़त्म पांच के इधर दोनों साइड इवन नंबर है पांच के पहले इवन नंबर बाद में इवन नंबर पांच के देखो पहले इवन नंबर है ख़त्म कहाँ नहीं इसके पांच के भी दोनों साइड इवन नंबर है तो और को कोई पांच है ही नहीं एक ही कॉम्बिनेशन बनाए एक ही ऐसा पांच है जिसके दोनों साइड में विषम संख्या आती है तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यदि व्यवस्था में से सभी सम अंकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था के बाएं छोर से ग्यारहवा होगा बाएं छोर से देख लो सारे हटा दो विषम विषम को गिनना है बस ठीक है इफ ऑल द इवन डिजिट आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इलेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अरेंजमेंट, यानी कि सारे इवन डिजिट को गिनना नहीं है सिर्फ ओल्ड डिजिट को गिनना है और फिर लेफ्ट से ग्यारहवा देख लो ठीक है तो देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह ऑप्शन डी आंसर हो जाए काफी लोगों ने तो आंसर ही कर दिया एक सेकंड ना कौन से एंड से पूछा था इसने सॉरी बाएं छोर से ग्यारहवा पूछा था हाँ तो सही है यही आएगा आंसर ठीक है बाएं छोर से पूछा था सही आंसर बिल्कुल पांच ही आएगा नेक्स्ट देखेंगे भाई एक ठीक है अब इसी टाइप में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ जिसमें कुछ कहानी दी गई होती है ऐसी इस कहानी को भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है आंसर देते टाइम पे ठीक है तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन इफ ए सिंबल इज इमीडिएटली प्रेसिडेड एंड फ़ॉलोड बाय ए लेटर देन राइट इट बिटवीन सिक्स एंड जेड यदि किसी चिन्ह के ठीक पहले और ठीक बाद में एक अक्षर आता है तो इसे छः और जेड के बीच में लिखें ठीक है, है? यदि किसी संख्या के ठीक पहले एक चिन्ह और ठीक बाद में एक अक्षर है तो इसे एम और टू के बीच में लिखें ठीक है, है? चरण दो चरण एक के पूरा होने के बाद किया जाता है यानी कि अगर पहला हो जाएगा उसी के बाद में दूसरा किया जाएगा तो इस तरीके से ये हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे करनी है उसके बाद में आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये बोला है, चरण दो के बाद के अनुक्रम के संबंध में निम्नलिखित पांच में से चार किस तरह एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है ठीक है अब देखो एक जगह सारे रूल्स लिख देता है एक क्वेश्चन लिख देता तो आपको समझ में नहीं आते तो पहले एक बार है ना आप ये रूल्स को कुछ कोड भाषा में लिख लो एक बार के लिए फटाफट जल्दी से अपने पेपर में लिख लो बताओ भाई क्या करोगे इसमें सर मैं कर्सर से नहीं उंगली से गिन लूँगा हाँ उंगली से गिन लेना ऐसे उंगली तो लगा ही सकते हो हाँ जैसे भी आपकी मर्जी है देखो इस क्वेश्चन में दो स्टेप करनी है अब हर क्वेश्चन के लिए अगर इन दो स्टेप्स को करने बैठ गए तो काम बन गया हमारा बनेगा क्या बिल्कुल नहीं बनेगा तो हम क्या कर देंगे कि स्टेप वन और टू की सीरीज़ को पेपर में लिखने का प्रयास करेंगे ऐसा क्वेश्चन जनरली कलर कलर के में तो आएगा भी नहीं यहाँ पे अगर कहीं पर आएगा तो आप लोग सीधा सीधा क्या करना इसमें सीरीज बना लेना अपने हिसाब से ठीक है कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि सीरीज बनानी पड़ेगी क्योंकि अगर यह चीज इसमें बोल रहा है कि नई सीरीज ही बन जाएगी ठीक है तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूं दो नई सीरीज मुझे लिखनी ही पड़ेंगी पांच क्वेश्चन का आंसर देना तो इतना समय नहीं लगेगा सीरीज इसमें जैसे से छोटी आई है इसने यह बोला है कि यदि किसी चिन्ह के ठीक पहले स्टेप वन में क्या होगा मैं लिख लेता हूं किसी चिन्ह के ठीक पहले और बाद में एक अक्सर आता है ठीक है तो इसे छह और जेड के बीच में लिखे तो चिन्ह कितने हैं ऐसे दो दो ही चिन्ह हैं ऐसे देखो एक ये रहा रहा एक ये रह। बाकी तो देखो दोनों एक किसी का नंबर आगे किसी का कुछ है है ठीक तो ऐसे कोई चिन्ह नहीं है ऐसे दो ही चिन्ह है जिनके आगे पीछे क्या आ रहा है लेटर्स आ रहे हैं अब इनके साथ मुझे क्या करना है तो इसे छह और जेड के बीच में लिखना पड़ेगा तो यहां पे सिक्स आएगा यहां पे जेड आएगा यहां सिक्स आएगा यहां जेड आएगा एक बार कमेंट करके बताओ इतना किस किस को समझ में आ गया जैसा इस स्टेप ने कहा वैसा हमने यहां पे लिखा ठीक है इस सीरीज को अगर आप चाहो तो अपने पेपर में भी लिख सकते हो ठीक है ना तो यहां पे देखो ये दोनों थे छह और जेड के कॉम्बिनेशन तो यहां से सीरीज क्या बनेगी दो ही ऐसे वो आ रहे हैं ठीक है तो अगर आप सीरीज लिखना चाहो तो लिख दो एट एफ हैश फोर एट द रेट नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं m एम टू ई क्यू परसेंटेज यहां नहीं आएगा परसेंटेज परसेंटेज तो हट चुका है ना आर टी एंड ये आ गया देखो सिक्स और जेड आपका इसके बीच में ये दोनों आ जाएंगे परसेंटेज और स्टार ये सिक्स जेड फिर ये एन एस फिर ये डॉलर सेवन ए, ऐसे हो गया मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखने के लिए बता रहा हूं एक बार उसके बाद में सीधा कैसे करना होता है वो भी बताऊंगा स्टेप 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 ये बाद में करनी करनी है है पहले नहीं करनी है, के बाद इफ ए नंबर इज इमीडिएटली सिंबल एक एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई ए लेटर यानी कि एक ऐसा कोई नंबर है एक नंबर है इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई ए सिंबल यानी कि उसके जस्ट पहले सिंबल है फॉलोड बाई ये लेटर एक लेटर है यानी कि नंबर सिंबल नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन है तो देखो ठीक है उसमें से देखना क्या है इफे नंबर नंबर देखना है ऐसा ठीक है तो उसको एम और टू के बीच में लिखना है इसने ऐसा बोला तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे ढूंढेंगे सिंबल नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन ठीक है क्या ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है ये रहा सिंबल लेटर नहीं है सिंबल नंबर लेटर नहीं है सिंबल नंबर नहीं है उसके बाद में क्या आ गया भाई ठीक है उसके बाद में देखेंगे ये सिंबल है उसके बाद में नंबर है लेकिन लेटर नहीं है उसके बाद सिंबल है फिर लेटर है नंबर नहीं है एक यही कॉम्बिनेशन रहा है देखो ये सिंबल है लेटर है ए है यानी कि ये जो सेवन ही एक ऐसा नंबर है बस तो इस नंबर को कहाँ पे लिखना है हम लोगों को इस नंबर को एम और टू के बीच में लिखना है एम और टू कहाँ है ये यह। यहाँ पे लिखना है साथ यहां पे लिखना अब देखो अगर आप इसको दिमाग में सोचोगे कि भाई ये दोनों जो चीजें हैं ये तो यहां चली गई ये तो फर्स्ट स्टेप में हुआ कि परसेंटेज और स्टार तो यहां चला गया ये तो फर्स्ट स्टेप में हुआ और आपका जो सेवन है वो एम टू के बीच में आ गया ठीक है और ये परसेंटेज स्टार यहां से हटा दो ये यहां से हटा दो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं इसको लिख के कराऊं क्या या आप ये दिमाग में एज्यूम कर लेंगे बताओ बताओ कि आप इसको दिमाग में एज्यूम कर सकते हो तो मैं एज्यूम करके बताऊंगा अगले क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हो तो फिर तो लिखनी पड़ेंगी सीरीज कोई ऑप्शन ही नहीं है बताओ जल्दी से क्वेश्चन ने बोला है भाई सिक्स और जेड इसने बोला कि यदि किसी चिन्ह के ठीक पहले और बाद में एक अक्सर आता है तो इसे छह और जेड के बीच में लिख दो तो ये रहा छह और ये रहा जेड उसके बीच में लिख दिया परसेंटेज और स्टार को हटा के ठीक है तो एक स्टूडेंट लिखा नो नीड टू राइट ठीक है तो आपको मैंने समझाने के लिए ये लिख दिया अब अगर आप लोग दिमाग से भी करना चाहो तो आपको लिखना क्या है पेपर में वो मैं बता देता हूँ ठीक है सबसे पहले हमारे हमने स्टेप वन के हिसाब से मेरे दो सिंबल निकले तो पेपर पे सबसे पहले आपको लिखना है कि स्टार और परसेंटेज ये सिक्स और जेड के बीच में चले गए ठीक है तो पहले इनकी सीक्वेंस उसी में लिखना है पहले परसेंटेज था तो पहले परसेंटेज फिर स्टार है तो स्टार है ठीक है पहले परसेंटेज था तो पहले परसेंटेज फिर स्टार है तो ये सिक्स और जेड के बीच में लिख दिया है ठीक है तो आपको पेपर पे राइट डाउन करना है हमने ठीक है उसके बाद में आपको पता लगा कि एक ये जो सेवन नंबर है ना यही ऐसा नंबर है जिसके पहले सिंबल बाद में लेटर आ रहा है तो इसको एम ओ टू के बीच में लिखना है तो आपको सेवन एम टू इतना तो पेपर पे लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे जल्दी बताओ देखो थोड़ा क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है लेकिन अगर यहां से समझ के जाओगे तो एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा इतना पेपर में लिख लोगे क्या एक बार बताओ इतना लिखने के बाद कैसे समझना है वो मैं बता दू लेकिन इतना तो लिख ही लेना पहला प्रश्न आ जाओ ठीक है चरण दो के बाद के अनुक्रम में जैसे मेरा ये यहां पे लिखा हुआ है मैं यहां पे लिख देता हूं इसको और जेड के बीच में ये मेरे पेपर पे लिखा रहेगा मैं तो अभी बार बार में मुझे लिखना पड़ेगा लेकिन आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा ठीक है एक बार ही पेपर पे लिखा रहेगा बस इसको ध्यान रखना है आपको अब इसको देखते हुए हम लोग स्क्रीन से आंसर निकाल लेंगे चरण दो के बाद चरण दो के बाद मतलब दोनों स्टेप हो चुके ये स्टेप वन में होगा ये स्टेप टू में होगा ठीक है निम्नलिखित में से पांच में से चार किसी एक तरह से एक हैं और इस प्रकार एक समूह e, तो हमने सोचा कि ई e ये रहा आर रहा और एम कहा है ये ठीक है तो ई आर एम में रिलेशन निकालते टाइम पे क्या बीच में नहीं होगा यहाँ पे आपको वो ज्यूम करना है कि सर यहाँ ये परसेंटेज भी नहीं होगा यहाँ तो ये परसेंटेज नहीं होगा और m o 2 के बीच में है ना सेवन होगा ये आप को इमेजिन करना तो देखो e के एक छोड़ के आगे वाला और दो छोड़ के पीछे वाला यही हुआ e के एक छोड़ के आगे वाला और दो छोड़ के पीछे वाला ठीक है तो एक रिलेशन इवन z s 6 देखना है z कहां है s कहां है 6 कहां है z s और 6 इसमें आपको पता है ये जो स्टार है ना वो सिक्स और जेड के बीच में ये स्टार यहाँ नहीं है यहाँ इसके बीच में परसेंटेज और स्टार है ये आपको करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके दो जेड के दो इधर तो सिक्स आ गया ठीक है और एक छोड़ के एस आ गया सेम वही कॉम्बिनेशन बन रहा था जो यहां बन रहा था ऐसे आगे देखो फोर एम एट ठीक है फोर एम एट फोर ये रहा। एम येरा एट ये रहा ठीक है तो इनके बीच में तो कोई बदलाव नहीं होगा ठीक है इनके बीच में तो कोई बदलाव नहीं होगा तो वही देखो एक आगे और दो छोड़ के पीछे क्यू टी सेवन क्यू टी सेवन की सेवन ये रहा, ठीक है तो ये सेवन यहां नहीं है अब आपको एज्यूम करना पड़ेगा ये जो परसेंटेज था ना वो तो यहां से जा चुका है ठीक है परसेंटेज तो यहां से जा चुका है ये तो आगे जा चुका है परसेंटेज तो ठीक है तो इसमें देखो आप कहीं रिलेट कर पाओगे क्या ये सेवन यहां आ जाएगा तो क्यू के पीछे दो छोड़ के देखो सेवन आ ही रहा है और एक आगे छोड़ के टी है क्योंकि आर यहां से ये यह तो हट ही जाएगा तो सेम कॉम्बिनेशन से यही बन रहा है सिक्स स्टार टी को बताओ क्या ये फॉलो कर रहा है देखो ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा दिमाग के अंदर सिक्स के बाद में स्टार लेकिन ये तो एक दो एक ही छोड़ा है पीछे की में दो छोड़ने थे एक ही छोड़ा तो ये आंसर हो जाएगा मैंने आपको आराम से कॉम्बिनेशन बताया दिमाग में नहीं सोचा जा रहा है इतना तो आप लिख लेना भाई मेरा ये सजेशन है ठीक है उम्मीद है कर लोगे लिखने के बाद बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो एक तरीके से आप लोग लिखे देखो इतना सा एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आया और सारे लोग भाग गए आप लोग मुझे ईमानदारी से एक चीज़ बताओ क्या हर चीज़ बहुत ही इजी तरीके से समझाई जा सकती है ठीक है मैं जो टीचर बोलता हूँ सब कुछ आसान बना दूंगा बहुत कुछ कर दूंगा वो सब चीज़ें नहीं होती सब कुछ चीज़ें कंपेरेटिवली आसान बनाई जा सकती है लेकिन कुछ चीज़ बहुत ईजी होती है कुछ चीज़ थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा तो लगेगा उसमें मैं क्या करूँ ठीक है और ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ठीक है इतने में क्लास की संख्या एकदम से पचास परसेंट हो गई ठीक है तो ऐसा मत किया करो सर ये मेंस के क्वेश्चन है क्या हाँ हो सकता है मेंस के भी हो पर ये ऐसे स्टेप वाले क्वेश्चन आते हैं तो करना कैसे वो मैं बताने का आप ज्यादा समय नहीं लगेगा आप सीरीज लिख लेना दोनों के दोनों सीरीज लिख लेना हार्डली तीस से चालीस सेकेंड लगेंगे सीरीज लिख लेना समझने के बाद में अगर तो लिख पाओगे तो सीरीज लिख देना लिखने के बाद स्टेप वन स्टेप टू की सीरीज लिख के आंसर कर देना सारे के सारे सर मैं हूं ना सर है हाँ ना तो ऐसा है कि जब कोई चीज़ आती है जिसको समझाने में समय लग रहा है जिसको मैं बार बार मैं भी आपने ये देखा होगा कि इस क्वेश्चन को समझाने में ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आप लोगों को तो इसलिए साथ बने रहा करो ठीक है एक बार मज़ा आ रहा है तो सब लोग सेशन को लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे और फटाफट आगे बढ़ जाएंगे ठीक है अब देखो इसमें सीरीज लिख के आप लोग कर लीजिएगा ठीक है अगर सीरीज लिखनी है वरना आपको एज्यूम कैसे करना है वो मैंने बता दिया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ूंगा आप ठीक है अब देखो इसको मैं बाद में करूंगा थोड़ा सा वरना तुम लोगों में से और स्टूडेंट चले जाएंगे इसको मैं बाद में करूंगा सेकेंड वाले क्वेश्चन को अभी मैं जो क्वेश्चन फ्रीकुन्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं ना वो करूंगा जैसे ये वाला क्वेश्चन जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सब लोग इन क्वेश्चन की ट्रिक सीख लेना ये तो आएगा ही आएगा एग्जाम में हंड्रेड एंड वन परसेंट फ्री में ही आया क्या किसी को अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करो मैं एक एक करके दस दस सेकंड निकालता जाऊंगा तुम तो लोग पांचों क्वेश्चन कर लेना एक साथ हाँ। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाओ जल्दी जल्दी आगे निकालूगा कर दूंगे आगे चलो पानी पी लेते हैं इतना समय और दे देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वही क्वेश्चन है क्या पाँचों क्वेश्चन हो गए हैं भाई पांच थे या चार थे पाँचों हो गए ठीक है ध्यान से समझना भाई इन क्वेश्चन को इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है एग्जाम में अरे सर क्या कर रहे हो करने तो दो जल्दी करना सीखो भाई आयुषी जल्दी करना सीखो हाँ और क्लास आदि होने के बाद आते हो आप है ना वेरी गुड तभी अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद संख्या के भीतर मतलब संख्या के अंदर अंदर सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का योग क्या हो आफ्टर अरेंजिंग ऑल द डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर वाट इज द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ द हाइएस्ट नंबर एंड द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर अब आप लोग मुझे एक बात बताओ क्या ये ऑपरेशन आप करके देखोगे कि सभी अंकों को बढ़ते क्रम में लिखोगे जैसे इस सात सौ पिचासी को लिखा आपने पाँच सात आठ दो सौ तिलिस को लिखा दो तीन चार ये करने बैठ गए तो हम करते रहें ऐसा पता नहीं क्या क्या करवाएगा हमसे वो नहीं करना है हमें ध्यान से समझना इसमें आंसर से किस चीज का मतलब है सबसे पहले उसको फाइंड आउट करो आपको आंसर क्या देना है सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का योग क्या होगा यानी कि मुझे सबसे बड़ी संख्या चाहिए सबसे छोटी संख्या चाहिए ठीक है थीके? सबसे बड़ी संख्या चाहिए सबसे छोटी संख्या चाहिए अब मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या होने के लिए जैसे मैं आपको बताता हूँ दो आ गया और एक सौ एक आ गया अब इनमें से कौन सी बड़ी संख्याएं हैं इसके लिए मुझे ये आगे के दो डिजिट का पता होना जरूरी है क्या मुझे तो अगर पहला डिजिट ही पता होगा तो पता लग जाएगा तो सबसे पहले आप ये पता करो कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या पता करने के लिए सबसे पहली डिजिट क्या होगी उसी से पता लग जाएगा ज्यादातर केस में दोनों डिजिट सेम हो जाएंगे तो अगला अगला डिजिट देख लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या पता करनी है सबसे छोटी संख्या पता करनी है वो, वो कैसे पता होंगी सबसे पहली डिजिट से पता होगी अब आपको दिमाग में सुना पहली डिजिट क्या आ जाएगी इसमें करवाया क्या है सभी अंकों को बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटा अंक आएगा सबसे पहले तो आप देखो कि सबसे बड़ा अंक सबसे पहले किसमें आएगा दो देखो इसमें पांच आएगा इसमें देखो दो आएगा सबसे इसमें तीन आएगा इसमें भी तीन आएगा इसमें दो आएगा तो सबसे बड़ी संख्या तो यही बननी है क्योंकि इसमें सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी है इसमें पांच सबसे पहला डिजिट बनेगा ठीक है और बाकी में देखो पांच से छोटे ही इसमें दो बनेगा इसमें तीन बनेगा इसमें तीन बनेगा इसमें दो बनेगा इसका मतलब बाकी सब संख्या इससे छोटी बनेंगी वो करने के बाद में इसने ये बोला है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो यानी कि इसको पाँच सात आठ लिखना पड़ेगा इसको दो तीन चार लिखना पड़ेगा ऐसे आगे लिखना पड़ेगा तो मुझे पता लगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी सबसे बड़ी संख्या ये होगी जिसका पहला डिजिट सबसे बड़ा होगा इसमें पहला डिजिट पाँच होगा इसमें दो होगा इसमें तीन होगा इसमें तीन होगा इसमें दो होगा तो सबसे बड़ी संख्या तो यही होगी मुझे पता है अब यह सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक ठीक है तीसरा अंक क्या होगा यहाँ पे पांच पांच होगा क्या बताओ पांच होगा क्या पहले तो ये बताओ यस और नो का इस चीज का जवाब चाहिए मुझे भाई सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक देखना है तो तीसरा अंक सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी तो उसका तीसरा अंक तो ये है बताओ क्या पांच सही है क्यों पूछ रहा हूं बार बार में उसका लॉजिक है भाई कोई ना कोई ये नहीं होगा क्योंकि ये संख्या बदल जाएगी ये संख्या पांच सात आठ हो जाएगी बदलने के बाद का क्वेश्चन है तो बदलने के बाद में ये होगी ना तीस, तीसरी डिजिट सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक ये होगा ठीक है तो आपको दिमाग में सोचना क्या था सबसे पहले की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो मुझे पता लगा कि पांच सबसे पहला डिजिट बनेगा सबसे बड़ी संख्या होगी इसका तीसरा अक्षर कौन सा बनेगा ये डिजिट कैसे चेंज होगी पांच सात आठ तो लास्ट सबसे बड़ा होगा तो पहला आया मेरा आठ उसके बाद में देखना सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें सबसे पहला अक्षर देखो दो इसमें बनेगा इसमें और इसमें ये दो बनेगा और ये दो बनेगा तो ये है सबसे छोटी संख्या बाकी तो दिमाग ही नहीं लगाना इसके पहले अंक अंक का योग क्या होगा? पहला दो दो, ही बनेगा, तो दो, तो आंसर। दोबारा से।, से बता रहा हूं दिमाग में ही सोचना है जोर आएगा लेकिन सोचना दिमाग में ही है ठीक है सबसे पहले ऑपरेशन ये करना होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक लिखना है मुझे तो अगर मान लो मैं इस नंबर में डिजिट के हिसाब से चेंज करूंगा तो पांच सात आठ बनेगा बढ़ते क्रम में तो मुझे ये पता है कि हर नंबर में सबसे छोटी संख्या होगी वो प, बताएगी कि बड़ी है छोटी संख्या कौन सी है इसमें पांच पहला डिजिट बनेगा इसमें दो बनेगा इसमें तीन बनेगा इसमें तीन बनेगा दो बनेगा तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर तो यही बनेगा इसमें तीसरी संख्या कौन तीसरी डिजिट कौन सी होगी चेंज होने के बाद की बात कर रहा है तो पांच सात आठ बनेगा तो आठ होगी ये दिमाग में सोचना है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें पहला डिजिट दो, इसमें भी दो दिमाग में सोच लो ये दो पांच सात दो सत्तावन बनेगा तो ये बनेगी सबसे छोटी उसका पहला डिजिट क्या है? दो ही है तो आठ प्लस दो दस आ जाओ नेक्स्ट समझ लो भाई मैं ना? ये अंदर क्या चल रहा है दिमाग में उसको आपको कन्वे करने में थोड़ा समय लग रहा है ठीक है आप उस पे फोकस करो कि कैसे दिमाग के अंदर ये सब चीजों करोगे आप लोग अगर करना सीख गए बिट बना ली तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा इफ वन इज एडेड टू ईच इवन डिजिट एंड वन इज सब्सट्रेक्टेड फ्रॉम ईच और डिजिट एंड देन हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉरन विल बी फुली डिविजिबल बाई टू यदि प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होंगी ठीक है अब मुझे बताओ ये एक जो जोड़ रहा घटा रहा है ठीक है ये एक जो जोड़ रहा घटा रहा है वो किसमें कर रहा है ये सात में पूछने का मतलब है कि सात आठ पांच इसने बोला कि इवन में एक जोड़ दो और ओड में एक घटा दो तो ये एक ओड नंबर है वैसे तो ये सात सौ चौरासी करने के लिए बोल रहा है इसको या फिर हर डिजिट के लिए बोल रहा है कि सात में से एक घटा दिया छ आ गया आठ में एक जोड़ दिया नौ आ गया और पांच में से एक घटा दिया चार आ गया इसको जो मान रहे हैं वो एक नंबर कमेंट करें इसको जो मान रहे हैं, वो दो नंबर कमेंट करें फिर मैं बताता हूं कि कन्फ्यूजन कहां होता है मैं तो ये जानता हूं कि भाई कई सारे स्टूडेंट्स को कहां कहां कंफ्यूजन होता है तो वही बताने का प्रयास कर रहा हूं देखो क्वेश्चन में मैं एकदम से बारीक सी चीज बता रहा हूं इतना बारीकी से कोई नहीं बताएगा इसको नंबर बोलते हैं पूरे को मिला के और इस नंबर में ये डिजिट्स हैं यानी इस सात सौ पिचासी को तो संख्या बोलेगा इस सात आठ पांच को अंक बोलेगा पूरे को नंबर बोलेगा इसको डिजिट बोलेगा ठीक है तो यहां क्या बोला गया है प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए प्रत्येक विषम अंक में नंबर में नहीं संख्या में नहीं अंक में इफ वन इज एडेड टू ईच इवन डिजिट इवन डिजिट बोला है यानी कि हर एक डिजिट की बात कर रहा है तो कहीं ये वाला काम मत कर देना भाई कुछ लोग कर देते हैं इसलिए मैं जोर दे के बता रहा हूँ कर देते हैं कुछ लोग सब लोग तो बोल कहोगे सर मैं तो समझ गया था कोई बात नहीं लेकिन कुछ लोग कर देते हैं उसके लिए बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि हर डिजिट में अपने को ये करना है अब आप लोग सब लोग कई लोग ये लग जाएंगे कि इवन डिजिट में एक जोड़ना है ये तो लिख लेना डिजिट में एक माइनस करना है अब सब लोग इस चक्कर में लग जाएंगे कि सर इसको मैं चेंज करूंगा इसको मैं बनाऊंगा ओड में एक माइनस करना है इवन में एक जोड़ना है ये बनाऊंगा अगला बनाऊंगा फिर देखूंगा दो में किस किस का भाग लग रहा है नहीं भाई दो में कब भाग लगता है जैसे सिक्सटी एट में दो का भाग लग जाएगा सिक्सटी फाइव में नहीं लगेगा कैसे पता लगा अगर नंबर का लास्ट डिजिट कोई भी इवन नंबर हो तब दो का भाग उसमें लग ही जाएगा नंबर का लास्ट डिजिट अगर ओड होगा तो उसमें दो का भाग नहीं लगेगा तो मुझे यह देखना है लास्ट डिजिट से ही पता लगेगा तो लास्ट डिजिट पे ही फोकस करो सारी डिजिट पे नहीं करना है ठीक है तो में, पांच में से एक माइनस कर दूंगा तो इसमें तो जाएगा भाग एक इसमें जाएगा तीन में से एक माइनस कर दूंगा इसमें भी भाग जाएगा इसमें प्लस कर दूंगा नहीं जाएगा इसमें जाएगा इसमें जाएगा इसमें इस चार में से एक माइनस करूंगा तो तीन आ जाएगा लास्ट डिजिट नहीं जाएगा भाग ठीक है इसे सात में से एक माइनस कर दूंगा तो भी जाएगा इसमें एक जोड़ दूंगा नहीं जाएगा तो तीन जगह पे जाएगा ऑप्शन सी एकदम लगातार बोलना पड़ता है कौन सी संख्या श्रृंखला के ठीक मध्य में रखी जाएगी जब सभी संख्याओं को उनके अंकों के उत्पाद में बदल दिया जाता है और फिर बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है which of the following number will be placed exactly in the middle of the series when all the numbers are changed to product of their digits and then arranged in ascending order from the left to right ascending order the ठीक है ना तो बीच में कौन आएगा यानी बढ़ते क्रम में पहली एक संख्या आएगी फिर दो आएगी तीसरी संख्या तो सबसे बीच की होगी तो आपको देखना है तीसरी बड़ी संख्या कौन सी है मतलब सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी यानी तीसरी बड़ी संख्या कौन सी है छोटे से अगर हम लोग काउंट करें तो सब डिजिट्स को गुणा करने के बाद में ठीक है तो यहां पे सबसे कम डिजिट्स जिसमें सबसे छोटे छोटे डिजिट दिखेंगे वही सबसे छोटी संख्या होगी मेरे को देखो इसमें दिख रहे हैं सबसे छोटे डिजिट्स चार तैया बारह बारह दूनी चौबीस बनेगा ये तो चौबीस से तो कमी मतलब ज़्यादा ही बनेंगे सारे तो सबसे पहला तो ये हो जाएगा ठीक है दूसरा मैं बात करूँ ठीक है तो ये तो सबसे बड़ा बनेगा वैसे ही छः तीन चार छः या अठारह अठारह चौक बहत्तर ठीक है दूसरा ये बनेगा तो मैं एक बार लिख भी लेता हूँ इसको पेपर में लिख लेना कि चौबीस उसके बाद में बहत्तर फिर अपन देख भी लेंगे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं की अपन ने तीसरा मुझे यहाँ पे लग रहा है ये बनेगा पाँच दूनी दस और ये सत्तर ठीक है ठीक है तो सत्तर बीच में एक और आएगा सत्तर ठीक है इसके अलावा और चेक कर लो कि इनके बीच में तो कुछ और नहीं आ रहा है ठीक है ना ये तीन तो चेक कर ली नौ या सत्ताईस सत्ताईस तो बड़ा ही आएगा पांचवाट चालीस चालीस अंति तो बढ़ा ही आएगा तो तीसरा कौन सा हो जाएगा सेवन टू ठीक है तो सेवनटी टू किसका बना था भाई ये वाले का छह सौ चौतीस का आंसर सी लिख लेना ताकि गड़बड़ ना हो जैसे मैंने दो नंबर बेहतर लिखे सत्तर तब का नहीं लिखना है लेकिन नेक्स्ट करो छो चौतीस ना सबका आंसर हाँ जी जब तीसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटाया जाता है तो परिणाम क्या होगा वाट थर्ड हाइएस्ट नंबर थर्ड हाइएस्ट नंबर कौन सा भाई सबसे बड़ा नंबर तो ये है ये छह वाला होगा पहला डिजिट देखना है बड़े में पहला बड़ा दूसरा बड़ा तीसरा बड़ा तो ये रहा ठीक है जब तीसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को यानी दो को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक सबसे बड़ी संख्या है तो ये सात ठीक है में से घटाया जाता है तो परिणाम क्या होगा सात माइनस दो करूंगा तो क्या आएगा तीसरी बड़ी संख्या यही है ना भाई हाँ यही तो है जब तीसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक तीसरा अंक कौन सा वे? तीसरी देखो पहली बड़ी संख्या है दूसरी बड़ी संख्या है तीसरी बड़ी संख्या है तीसरे अंक यानी कि दो दूसरी बड़ी संख्या चलो दूसरी बड़ी संख्या छोटी नहीं दूसरी बड़ी संख्या के पहले अंक दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है ये दूसरी बड़ी संख्या के पहले अंक के साथ घटाया जाता है तो दो चार छह को घटाना तो है तो चार आएगा ठीक है उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ठीक है नेक्स्ट आ जाओ अब देखो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे देखते हो आप लोग पूरा नंबर पहली ही देख लिया करो पहली ये बड़ी है सबसे देखो दो छह तो यही सबसे बड़ी होगी दूसरी सबसे बड़ी पहली है तो ये होगी पहली डिजिट से छोटा बड़ा देखना है नेक्स्ट क्या है भाई यदि सभी अभाज्य संख्याओं में एक की वृद्धि कर दी जाती है और सभी संयुक्त अंकों में एक की कमी कर दी जाती है तो इस प्रकार बने नए अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अंक अधिकतम बार आता है इफ ऑल द प्राइम डिजिट्स आर इंक्रीज बाई वन एंड ऑल द कंपोजिट डिजिट्स आर डिक्रीज बाई वन कंपोजिट डिजिट प्राइम डिजिट मैंने पहले ही बता दिया है आपको क्या होता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट एपियर मैक्सिमम टाइम इन द न्यू सिक्वेंस क्या आप ये क्वेश्चन करना पसंद करेंगे एग्जाम में पहले तो यस और नो बताओ मुझे करने वाले यस कमेंट करो नहीं करने वाले नो कमेंट करो अगर मुझे बहुत जल्दी है तो करूँगा क्या मैं ये बताओ क्यों नहीं करूंगा उसका भी जवाब दे दिया करो बीच में थोड़ा सांस ले लेता हूं मैं ठीक है साइड में हो गए ताकि लगातार बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हाँ। थोड़ा सा एक आधे मिनट गैप होता है ठीक है अगर टाइम बहुत बचा हुआ है तब तो कर लीजिएगा लेकिन टाइम बचता नहीं एग्जाम में इसमें देखो आपको क्या करना पड़ेगा सारी संख्याएं देखनी पड़ेंगी वरना गलत हो जाएगा आंसर ठीक है इसमें सारे प्राइम नंबर्स में तो आपको एक की वृद्धि करनी पड़ेगी और सभी संयुक्त अक्षरों में एक की कमी अब इसमें प्लस माइनस कुछ कराता तो कर देते हैं हम फिर बता रहे सबसे ज्यादा बार कौन सा अंकार है सबसे ज्यादा बार कौन सा अंकार है तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो इस क्वेश्चन को अगर समय नहीं है तो स्किप कर सकते हैं ठीक है बाकी आप करके देख लीजिएगा सभी अभाज्य अंकों में ये सात अभाज्य है तो ये इसमें तो जैसे प्राइम नंबर में तो एक प्लस कर दिया जाएगा कंपोजिट नंबर में एक माइनस कर दिया जाएगा ठीक है कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं प्राइम नंबर तो दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस मैंने बताया हुआ है ये होते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं चार छः दो अंकों का जो मल्टीपल होता है ना वो होता है चार छ आठ दस नौ भी होता है ऐसे दो अंकों का जो मल्टीपल होता है वो हो जाता है ठीक है आ जाओ तो सात सौ पिचासी जो बनेगा प्राइम नंबर में एक जोड़ूंगा तो आठ बनेगा आठ में एक घटाऊंगा तो सात बनेगा फिर पाँच में एक जोड़ूंगा तो कितना बनेगा छः बनेगा आठ सौ छिहत्तर ठीक है दो एक प्राइम नंबर है तो उसमें जोड़ना ही है ठीक है ना दो का तीन हो गया चार का तीन हो गया और तीन का एक चार हो गया छः तीन चार छः एक कंपोजिट नंबर है तो छः में एक माइनस करूंगा पाँच तीन में एक प्लस करूंगा चार चार में एक माइनस करूंगा तीन ठीक है तीन सौ सितयानवे तीन एक प्राइम नंबर है तो एक जोड़ूंगा यानी कि चार आएगा नौ एक का कंपोजिट नंबर है तो एक माइनस करूंगा तो आठ आएगा तीन एक प्राइम नंबर है तो चार है एक सेकेंड सॉरी ये तीन नौ सात सात की बात कर रहा हूँ सात में एक जोड़ना पड़ेगा प्राइम नंबर है ठीक है उसके बाद में तीन सौ सितानवे हो गया उसके बाद में पाँच सौ बहत्तर को देखना है तो पाँच एक प्राइम नंबर है छः सात भी एक प्राइम नंबर है आठ दो भी एक प्राइम नंबर है अब इसमें देखो कौन सा डिजिट सबसे अधिक बार आ रहा है देखना मुझे तो तीन दिख रहा है एक दो तीन चार बार आ रहा है आठ भी बहुत बार दिख रहा है देखो दो तीन चार तो देखो भाई तीन भी चार बार आ रहा है आठ भी चार बार आ रहा है देखो तो देखो ए और सी लेकिन दोनों को कम्बाइंड करके ऑप्शन डी आंसर दे दिया गया है बोथ ए एंड सी ठीक है चार सिर्फ तीन बार आ रहा है एक दो तीन चार बार नहीं आ रहा है तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा लेकिन ये करके देखना पड़ेगा फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आ जाओ सर आरआरबी नोटिफिकेशन आ गया भाई सब हम बात कर चुके हैं उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग क्लास तो लेने यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में से एक घटाया जाता है और इस प्रकार बनी कितनी संख्या दो से विभाजित होंगी तो देख लो भाई अब मुझे बताओ दो से विभाजित होने में क्या होता है अगर किसी का लास्ट इवन नंबर है इवन नंबर या जीरो भी जीरो भी में उसी में आता है इवन नंबर है तो वो दो से विभाजित हो जाएगा अब मुझे एक बात बताओ किसी भी इवन नंबर में दो चार छ आठ उसमें एक जोड़ दो या एक घटा दो वो क्या बन जाएगा ओड बन जाएगा और किसी भी ओड नंबर में प्लस एक कर दो या माइनस एक कर दो वो इवन बन जाएगा अब आपको कुछ करना नहीं है ऐसा बस आपको ये पता अगर किसी को वो देख लेगा डायरेक्ट यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंग में से एक घटा दिया जाता है इस प्रकार बनी कितनी संख्या दो से विभाजित होंगी तो एक घटाया जाएगा विषम में से जब एक घटाएंगे तभी तो दो से विभाजित होगा तो देख लो लाल विषम किस किस का एक इसका रहा इसका रहा इसका रहा इसका रहा चार आएगा अगर ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया लेकिन जिसको ये चीज पता है वो एक सेकंड ऐसा आंसर दे दे उसको पता है चार जब चेंज हो जाएगा तब ये तो विभाजित होगा नहीं बाकी नौ में से एक घटा लेंगे एक में से घटा देंगे जीरो बनेगा ये चार बनेगा ये छह बनेगा, बनेगा तो अपने आप डिवाइड हो जाएगा तो सीधा ये देख लो ना लास्ट डिजिट विषम है कि नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल बदला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरी सबसे छोटी संख्या होगी क्या बोले पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल लिया जाता है तो आप बताओ छोटी बड़ी संख्या कौन से डिजिट से डिसाइड होती है छोटा और बड़ा लिख देता हूं भाई छोटा और बड़ा ज्यादातर केस में फर्स्ट डिजिट से डिसाइड होता है है आपको पता ठीक है अब इसने बोला कि पहली संख्या में पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल जाए इन प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल जाता है तो कौन सी संख्या तीसरी सबसे छोटी संख्या है ठीक है अब आप मुझे बताओ कि जब पहले और दूसरे को आपस में बदल देंगे तो पहला डिजिट यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा तो बताओ क्या ये बीच वाला डिजिट अब ये चीज डिसाइड करेगा कि कि नहीं करेगा करेगा कौन कौन बड़ा है कौन है छोटा बीच वाला डिजिट डिसाइड करेगा ना तो अब देख लो बीच वाला डिजिट सबसे छोटा किस्म है बीच वाला डिजिट सबसे छोटा तो इसमें भाई साहब दो नंबर पे सबसे छोटा किस्म है इसमें इस और इसमें है तो इन दोनों में से अब पता करना पड़ेगा अपने इन दोनों में से अपने को पता करना पड़ेगा कि कौन सा बनेगा ठीक है तो 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 ये 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 बनेगा 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 इधर उधर आएगा और ये कितना बनेगा? बनेगा। तो बताओ तीसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये वाली है। क्योंकि ये दूसरी बन जाएगी ठीक है तो नौ सौ पैंतालीस आंसर हो जाएगा ठीक है उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी तो डायरेक्ट आपको बीच वाले डिजिट पे फोकस करना है अगर सेम आ गई बीच वाले डिजिट तो फिर दिमाग में थोड़ा सा करके देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं कि करने बैठ जाओ इधर उधर लिखने बैठ जाओ वो मत कर देना भाई। बताओ इसका क्या आंसर है? यदि संख्या के दूसरे अंक को बदल दिया ठीक है तो प्राप्त संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी अब मुझे एक बात बताओ ठीक है एक नंबर है दो नंबर है ये तीन चार ऐसे नंबर मैंने संख्या लिख रखी है कुछ भी सब में आपको पता है एक सबसे छोटा है फिर दो है फिर तीन है फिर चार है अब मान लो मैं सब में दो जोड़ दूँ सब में दो जोड़ दिया भाई साहब ये लो जोड़ दिया ये तो तीन बन गया ये चार बन ये पांच बन गया पांच बन गया छह बन गया बताओ अब भी सबसे छोटी यही है ये यह? यह सबसे बड़ी है ठीक है अगर सब में कुछ कुछ जोड़ देंगे तो छोटे बड़े में कोई फर्क पड़ेगा ये बेवकूफ बनाने का सौदा होता है एग्जाम के अंदर एग्जामिनर चाहते तुम लोग उलझे रहो इन सब चीज़ों में आ, नहीं हमें पता है हम नहीं उलझेंगे क्यों नहीं उलझेंगे देखते हैं कैसे नहीं उलझेंगे इस वाले यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में दो जोड़ दिया जाता है और उसके बाद संख्या को पहले दो अंकों को प्रश्न बदल दिया बदल दिया जाता है यानी कि बीच वाली संख्या ही पहले डिजिट बन जाएगी तो यही डिसाइड करेगी कौन बड़ा कौन छोटा अरे यही डिसाइड करेगी कि नहीं कौन बड़ा कौन छोटा अब बोल रहा है कि लेकिन दूसरे वाली संख्या में पहले दो जोड़ूंगा फिर चेंज करूंगा मत जोड़ जोड़े या ना जोड़े उससे फर्क ही नहीं पड़ता छोटा बड़ा होने में कोई फर्क सब में ही तो जोड़ रहा है ना दो इसमें भी दो जोड़ा इसमें दो जोड़ा इसमें दो जोड़ा इसमें दोड़ा दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है वो तो जो है यहाँ पे बड़े छोटे वही है संख्या बदलेगी लेकिन बड़ा छोटा कभी नहीं बदलेगा वो सिक्वेंस ऐसे ही वैसी की वैसी रहेगी इसलिए मुझे इस दो को जोड़ने के चक्कर में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी आपको देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ठीक है तो बीच वाली सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है यहाँ पे है तीन सौ चौहत्तर में सात सबसे बड़ी संख्या है देखो तो ये तीन सौ चौहत्तर ही आंसर हो जाएगा बिना सोचे समझे एक सेकंड के अंदर आना चाहिए ठीक है एक सेकंड में आंसर आना चाहिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में से एक घटाया जाता है ठीक है अगर घटा लो भाई तो इस प्रकार बनी संख्याओं में से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंतिम अंक पूर्ण वर्ग हैं एक भी पूर्ण वर्ग है इसने से बोल दिया ठीक है थीके? अंतिम अंक में से एक घटा दिया जाता है तो कितनी पूर्ण वर्ग बनेगी यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कितनी संख्या बनेगी बताओ अब एक बात हो संख्याएं देखना है संख्याएं कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंतिम अंक का पूर्ण वर्ग है तो कई लोग ऐसे कर लेंगे तो कई लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में से एक घटाया जाता है तो मैंने बोल दिया थ्री सेवन थ्री बन गया है उसके बाद पूछा क्या है उसको ध्यान से देखना है थोड़ा सा वर्ड इधर उधर होते गड़बड़ हो जाएगी इस प्रकार बनी संख्याओं में से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंतिम अंक पूर्ण वर्ग है कई लोग इस संख्या को पूर्ण वर्ग देखने लग जाएंगे नहीं अंतिम अंक के बारे में पूछा है कि पूर्ण वर्ग बना के नहीं बना तो अंतिम अंक अकेला स्त्री को ही देखना है पूरी संख्या को नहीं देखना है ठीक है तो ये जो चार है ना ये तीन बन जाएगा जो पूर्ण वर्ग नहीं है ये नो क्या बन जाएगा आठ बन जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है ये एक जीरो बन जाएगा क्या जीरो पूर्ण वर्ग है नहीं है ये पांच चार बनेगा तो एक तो ये पूर्ण वर्ग है ठीक है तो मुझे तो यही दिख रहा है सात भी एक घटाएंगे तो आठ बनेगा तो बताओ क्या आंसर होगा ठीक है सबको आ गया आगे बढ़ू मैं ठीक है तो यही आंसर है वन कितने क्वेश्चन बच गए भाई ये वाला एक एक करो थोड़ा सा यदि प्रत्येक संख्या में तीनों अंकों को थोड़ा बैठ जाता हूँ मैं एक मिनट के लिए यदि प्रत्येक संख्या में तीनों अंकों को आरोही क्रम में सजाया जाता है तो निम्नलिखित में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है किसी को यह वाला कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर यहाँ पे जीरो बना था ठीक है जीरो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बताओ जीरो किसका है पता है आपको? आज तक मैंने पढ़ाया आपको कि जीरो का जीरो, तो जीरो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कभी दिमाग में यह मत लेके आ जाना ठीक है भाई नेक्स्ट आ जाओ यदि प्रत्येक संख्या में तीनों अंकों को आरोही क्रम में सजाया जाता है इन ईच नंबर ऑल थ्री डिजिट्स आर अरेंज्ड इन एसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में जमाया जाता है है ठीक विद इन द नंबर यदि प्रत्येक संख्या में तीनों अंकों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में यानी कि अगर इस संख्या को जचाना है तो ये तीन चार सात ऐसे बनेगी सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा अगली को जचाना है तो पाँच छः नौ बनेगी लेकिन करना नहीं है ये एग्जाम के अंदर ये सिर्फ दिमाग में ही करना चाहिए समझाने के लिए लिख दिया था तो निम्न में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो आप मुझे बताओ अब इसके अंदर सबसे पहला डिजिट कौन सा बने हर संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो पहला डिजिट बनेगा कि नहीं बनेगा क्योंकि आरोही क्रम में जताना है असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में जताना है हर डिजिट को तो जो सबसे छोटी डिजिट होगी वो इस बात को डिसाइड करेगी कौन बड़ा कौन छोटा तो यहां पे तो ये थ्री डिसाइड करेगा यहाँ ये फाइव डिसाइड करेगा यहाँ ये वन डिसाइड करेगा यहाँ ये फोर डिसाइड करेगा यहाँ टू डिसाइड करेगा ये करेगा इतना दिमाग तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो गई इनमें सबसे बड़ा कौन है बताओ मुझे इनमें सबसे बड़ा बताओ ये है है कि नहीं तो सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई ठीक है इससे जस्ट छोटी देखना भाई कौन सी है जिसमें क्या है, आएगा। ये है। तो नौ सौ पैंतालीस तो स... क्या भाई आठ सौ इक्कीस कैसे आ गया ये द आफ्ताब आफ्ताब जी आठ सौ इक्कीस कैसे आ जाएगा सर इतने कम लोग कैसे हो गए कोई बात नहीं कम लोगों का ही सिलेक्शन होता है तुम क्यों चिंता कर रहे हो मैं ही नहीं कर रहा था थीके? तो नौ सौ पैंतालीस आंसर हो गया उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कम इसलिए हो गए तुम लोगों ने लाइक नहीं किया ना सेशन को ठीक है सब लोग लाइक कर दो एक बार फटाफट आर आरबी आधे लोग तो ये बताने आ रहे हैं आर आर बी का नोटिफिकेशन आ गया और पता है ये लोग कहाँ गए ये जो लोग क्लास में संख्या कम हो गई है ना वहां गए अब सब लोगों ने एक बड़ा सा वो बैनर लगा दिया होगा कि आर आर बी नोटिफिकेशन आउट ठीक है आई बी पी एस आर आर बी नोटिफिकेशन आउट ऐसा लगा दिया होगा वहां पे जाके देखोगे तो इतने लोग लाइव देख रहे होंगे जिसकी कोई हद नहीं है इतने लोग लाइव देख रहे होंगे ठीक है और उसमें आया क्या है कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे बस यही आया है कल एक दो दिन में डिटेल नोटिफिकेशन आएगा आप लोग फॉर्म वॉर्म भर लो, लो। ये आया है उसके अंदर और कुछ नहीं आया है ठीक है तो वहाँ चले गए सारे लोग लेकिन उस नोटिफिकेशन का क्या करोगे तो पढ़ोगे नहीं सीखोगे नहीं नेक्स्ट आ जा रहे, नया क्वेश्चन है करो इस क्वेश्चन को करो सबको पता है फिर भी वही तो बात है ना समझते नहीं हैं सब लोग इस चीज़ को समझ ही जाते हैं तो फिर बात ही क्या थी आ गया क्या आंसर इसका यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं और अवरोही क्रम में सजाया जाता है तो उसके बाद बनी गई व्यवस्था में प्राप्त संख्याओं के ठीक मध्य स्थित संख्या के पहले और दूसरे अंक का गुणनफल कितना है इफ ऑल द नंबर्स आर अरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स ऑफ द नंबर विच इज एक्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द न्यू अरेंजमेंट ठीक है अब इसमें है ना आप लोगों को है ना डिजिट्स के साथ कुछ नहीं करना है इसमें आप लोगों को डिजिट्स के साथ कुछ नहीं करना है ठीक है आपको नंबर्स के साथ करना है नंबर्स के साथ आपको क्या करना है नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में जसाना है यानी कि घटते क्रम में अरेंज करना है चलो इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो सारे नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में जताएंगे तो मिडिल में कौन सा नंबर आएगा ठीक है तो सबसे ये पांच नंबर है तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या मिडिल में आएगी ठीक है तो मैं ऐसे जमाऊंगा जम तो सबसे बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या उससे बड़ी उससे जस्ट छोटी फिर उससे जस्ट छोटी तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले फिर फिर तीसरे नंबर वाली देखनी है तो सबसे बड़ी संख्या ये है ठीक है उससे बड़ी संख्या ये है तीसरे नंबर पर छह सौ सितयानवे तो ये सत सौ सितानवे के बारे में बात कर रहा है ठीक है तो इसका क्या करें ठीक मध्य से संख्या के पहले और दूसरे अंक का गुणनफल बताओ छह और नौ का गुणनफल कितना हो जाएगा चौवन सौ चौवन हो जाएगा सर ब्रेक चाहिए दस मिनट का आज लग रहा है मुझे ब्रेक चाहिए पता नहीं मुझे खड़े होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि इस क्लास में बिल्कुल टाइमर वाइमर नहीं लगाया ना तो बिल्कुल ही लगातार खड़े होने पड़ रहे हैं ठीक है और तुम लोग नोटिफिकेशन की ओर डाइवर्ट हो गए हो करो भाई इसको फिर से देखो बेवकूफ़ बना रहा है चाहिए नहीं सर आप ले लीजिए अच्छा ऐसे बोला है क्या सलोनी जी आप समझ गए वाहनों कोई बात नहीं देखो क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक संख्या के पहले अंक से एक घटाया जाता है और अंतिम अंक में से दो घटाया जाता है ठीक है पहले अंक में से एक घटाया जाता है और अंतिम अंक में से दो घटाया जाता है नई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या और सबसे अब आप बताओ हर संख्या में एक घटाएंगे हर संख्या में दो घटाएंगे डिजिट में घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा छोटे बड़े होने पर आप बताओ सिखाया है ना मैंने तो इसके चक्कर में मत पड़ो अब आगे देखो करना क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा छोटे बड़े होने पे नई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक तो नई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है वही नई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या होगी तो यहां पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये है ठीक है सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक तो सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक क्या होगा पहले अंक में से ही घटा देंगे ना तो नौ में से ही घटा देंगे तो आठ तो बड़ी छोटा देखने में वो नहीं करना लेकिन घटाना तो पड़ेगा ठीक है और सबसे छोटी संख्या है अच्छा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी यही होगी आप घटा घटा के देख लेना फिर भी यही आएगी क्योंकि सबके साथ में तो कैसे छोटा बड़ा बदल जाएगा करके दिखाया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक क्या है भाई आठ लेकिन आठ में से कितना घटाना है दो घटा देना ठीक है आठ में से दो घटा दूंगा तो कितना आएगा छह दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दो है आया समझ में जी नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, कुछ लोग घूम फिर के देखा है कि नोटिफिकेशन पे क्या चर्चाएं हो रही है ना? हाँ यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक से विभाजित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा दूसरी बड़ी संख्या के पहले अंक दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है यह है तो इसका पहला डिजिट आठ ठीक है दूसरी सबसे बड़ी संख्या की पहले अंक और सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक क्या है चार है भाग दे दो, दो आएगा ठीक है चलो देखो आगे क्वेश्चन आपको खुद को करने पड़ेंगे अब ये मैं यहां पे आ जाता हूं सीधा सीधा ठीक है मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं कुछ भी ठीक है थोड़ी सी कैपेसिटी कम हो रही है आज लेकिन फिर भी हम इसको कवर करेंगे देखो अभी तक हम लोग बेसिक जो क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में कराए थे वो कर लिए थे दूसरे नंबर पे हम लोगों ने सिंबल नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन वाला लेफ्ट राइट right वाला वो सब कर लिया था तीसरे नंबर पे हमने डिजिट वाले क्वेश्चन कर लिए थे जो अभी कर रहे थे हम लोग और चौथे नंबर पे हम ये लेटर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है तो यही चार टाइप के जनरली पूछे जाते हैं तो इसको भी कर लेते हैं तो बताओ फटाफट बताओ पहले प्रश्न का आंसर क्या है इसमें देखो आपको वो डिजिट वाले नंबर याद रहने बहुत जरूरी है वरना तो देख लेना फिर हो नहीं पाएगा सिस्टम यदि प्रत्येक शब्द के तीसरे वर्ण को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में अगले वर्ण से बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनेगा इनमें से कौन सा मतलब ये अर्थपूर्ण हो यह जरूरी नहीं है लेकिन प्रत्येक शब्द के तीसरे वर्ण को अंग्रेजी वर्ण का नाम में अगले वर्ण से बदल दिया जाए तो देखो इसमें अगले वर्ण से बदल दूंगा मैं तो ए एन ई कुछ बनता नहीं है इसमें एफ ओ एस ये भी कुछ नहीं बनता है ठीक है ये टी एच एफ ये भी कुछ नहीं बनता है ठीक है बी आई एच ये भी कुछ नहीं बनता है ठीक है ना एस यू एन ये बनेगा देखो एस यू एन सन बना के नहीं बना तो सम से सार्थक अंग्रेजी से बनेगा सन मतलब सूरज ठीक है नेक्स्ट आ चलो भाई करो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है अगली क्लास में थोड़ा सा टाइमर वाइमर लगा के लाएंगे हम लोग क्वेश्चन पे ठीक है इसमें क्या है पॉसिबल नहीं है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज के तो पांच क्वेश्चन एक स्लाइड पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अब देखो नंबर्स में छोटा बड़ा होता है ठीक है ना आप बोलते छोटा नंबर बड़ा नंबर ये सब होता है यहां पे लेटर्स में मैं बोलता हूं कि ए सबसे छोटा लेटर है ए सबसे छोटा है जिसका नंबर है एक तो मैं ए को हमेशा छोटा बोलूंगा सबसे और जेड को मैं बड़ा बोलूंगा तो उसी हिसाब से कंपेरिजन में बोलूंगा मैं जेड क्या है छब्बीस नंबर पे यही है ना भाई ठीक है तो ए को जैसे मैं एक नंबर पे बोलूंगा जेड को जैसे मैं छब्बीस नंबर तो ए को छोटा बोलूंगा और जेड को तो ए वाले अक्सर डिक्शनरी में पहले आते हैं जेड वाले बाद में आते हैं ठीक है तो उसी कंपैरिजन में मैं छोटा या बड़ा यहाँ पे बोलने वाला हूँ अब देखना यहां पे क्या बोल रहा है यदि दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाए जिस क्रम में वे पहले उसके बाद इस तरीके से ठीक है ना तो छोटा बड़ा कोई भी शब्द होता है वो किससे डिसाइड होता है पहले डिजिट से पहले लेटर से होगा में तो पहले लेटर से ही होगा ठीक है ना तो निम्नलिखित में कौन सा दाएं से अब मुझे बताओ

Second, बड़ा पूछा है ये पूछा है तो ये आपको दिमाग में ही सोचना पड़ेगा तो जैसे ही क्वेश्चन आया मेरे सामने तो मैंने सोचा कि मैं इनको डिक्शनरी के हिसाब से लगाऊंगा फिर दाएं से दूसरा पूछा है तो बाएं में सबसे छोटा आता है तो दाएं में सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा देखना है मुझे तो सबसे बड़ा तो देखो यहाँ पे टी एच ई होगा क्योंकि तो टी सबसे बड़ा बीस नंबर पे आता है और दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा सम होगा एस उन्नीस नंबर पे आता है अब ये बीस नंबर और उन्नीस नंबर पता होना चाहिए आप लोगों को तभी बात बनेगी वरना नहीं बनेगी आ जाओ यदि प्रत्येक शब्द के दूसरे वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले वर्ण से बदल दिया जाए तो दो स्वर समान या भिन्न स्वर वाले कितने शब्द बनेंगे ठीक है ना ये बोल प्रत्येक शब्द के दूसरे वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले वर्ण से बदल दिया जाए मतलब नेक्स्ट लेटर से बदल दिया जाए तो दो स्वर वाले कितने शब्द बनेंगे ठीक है ना तो आपको कुछ नहीं देखना है दो वोवेल्स देखने हैं और बीच वाले को एक प्लस करते हुए चले जाते ना मिडिल वाले में एक प्लस करना है चाहो तो आप ऐसे लिख भी सकते हो अगर कंफ्यूज हो जाओ तो ठीक है ना तो एक वोवल तो ये है एक N को चेंज कर दूंगा ये नंबर नंबर पे पे आता है, 15 पे o आता है है तो बन गया बन गया गया कि नहीं दो ए और ओ हो गया ठीक है ना इसमें देखो एफ और आर में से कोई वोवल नहीं है तो ओ को चेंज क्यों करूं मैं करूंगा तो भी कुछ होना नहीं है लेकिन जब इन दोनों में से ही एक वोवल नहीं है तो फिर बीच वाले को चेंज करके बन भी जाएगा तो दो तो फिर भी नहीं बनेंगे तो नहीं बनाई है इसमें देखना एक वोवेल पहले से ये एच आठ नंबर पे आता है तो आई नौ नंबर पे आता है तो दूसरा ई बन जाएगा दिमाग में सोच लेना है दो बन गए उसके बाद में देखना इसमें पहला और तीसरा ही नहीं है वो वेल तो दो के लिए तो इन दोनों में से भी कोई न कोई चाहिए तभी तो बीच वाला बनेगा तब तो बात बनेगी तो वैसे ही कैंसिल हो गया इसमें भी इन दोनों में से कुछ नहीं है तो बीच वाले को चेंज करके देखना ही नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ क्या दो बने ऑप्शन सी आंसर हो गया नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ भाई करो फटाफट आंसर इसको कितने कितने लोगों का इसमें सिक्स आंसर आ रहा है सिक्स आंसर आ रहा है किसी का हाँ जी आ रहा है ना पल्लवी का आ रहा है श्रीजिया का आ रहा है ठीक है जी हाँ सिक्स आंसर आ रहा है कुछ लोगों का क्या बात है वेरी गुड सिक्स आंसर्स वाले सभी चलो कुछ लोग क्या करते हैं जैसे मान लो इसने क्वेश्चन ने बोला पहले वो देखते हैं फिर बताऊंगा वो बात दिए गए शब्दों के दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर दिए गए शब्द के दाएं से मतलब ये जो जो सीक्वेंस दिए दिए गए शब्दों के दाएं से दूसरे शब्द हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड ठीक है ना सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड का सेकंड लेटर कौन सा है आई है आई है भाई साहब लिख दिया मैंने पेपर पे लिख दिया मैंने बाएं से दूसरे शब्द के दूसरा अक्षर ठीक है ना एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड एंड लेफ्ट से सेकेंड ईयर आ तो वो हो गया इनके बीच में कितने लेटर्स आते हैं अंग्रेजी वर्ड वाले में तो कुछ लोग दिमाग लगाएंगे सर देखो ये नौ नंबर पे आता है ये पंद्रह नंबर पे आता है तो देखो मजा ही आ जाएगा देखो सर पंद्रह माइनस नो इज इक्वल टू और ये छः आंसर कर देंगे हम और इतने सिंपल से क्वेश्चन में माइनस वन पॉइंट टू फाइव नंबर ले आएंगे यही होगा ऐसा नहीं करना है इसीलिए मैं बोलता हूँ कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जल्दबाजी एग्जाम में नहीं होती कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए बताया मैंने ऐसा नहीं होता है जैसे मान लेते हैं मैं सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ कि ए बी और सी मैंने पूछा ए और सी के बीच में कितने लेटर्स आते हैं तो आपने बोला एक और तीन तो तीन माइनस एक सर दो आते हैं दो कहाँ आते हैं ए ही तो आता है ठीक है उसके बाद मैंने बोला कि ए बी सी डी ए और डी के बीच में कितने आते हैं आपने बोला सर चार माइनस एक यानी कि तीन तीन कहाँ आते हैं दो ही आते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी दो लेटर्स के बीच में कुछ संख्या देते हैं तो ये एक इनमें से जो एक होता है ना वो दो बार काउंट हो जाता है ऐसे माइनस करते हैं तब या तो आई दो बार काउंट हो गया या ओ दो बार काउंट हो गया तो दोनों ही कोई इनको नहीं काउंट करना होता तो इसमें से लास्ट में माइनस वन करना होता है ये ध्यान रखना है तो आंसर आएगा आपका पाँच चेक करके देख लेना आई और ओ के बीच में क्या आता है जे के एल एम एन कितने हो गए पाँच हो गए ना लेकिन लिखना नहीं है सीधा यही ध्यान रख लेना करो भाई आजकल पता नहीं लाइव क्लास लेता हूँ तो क्या होता है एक दिन तो आईपीएल का मैच आ गया ठीक है और एक दिन अब नोटिफिकेशन आ गया क्लास के बीच में ये बोल रहा है कि यदि दिए गए प्रत्येक शब्द में से व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाला श्रृंखला में पिछले वर्ण से तो कॉन्सोनेंट में से एक माइनस कर देना है लिख लेना पेपर में कॉन्सोनेंट में से एक माइनस कर देना है और प्रत्येक स्वर को अगले वर्ण से तो वोवल में एक जोड़ दिया जाएगा तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई वोवल नहीं आएगा ठीक है भाई है ना तो आप मुझे एक बात बताओ किसी भी वोवल में एक जोड़ने पे चाहे वो ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू ठीक है इसमें अगर मैं एक जोड़ता हूं तो ये बी बनता है और एक हूं तो बनता है ये एफ बनता है ये डी बनता है ये जे बनता है ये एच बनता है ठीक है ये एक प्लस करूंगा तो पी बनेगा और पीछे जाऊंगा फोर्टीन नंबर पे तो एन आएगा यू के प्लस वन बाईस करूंगा तो एक्स आएगा ठीक है उसके बाद में सॉरी क्या कर रहा हूं मैं ये इक्कीस नंबर पे आता है तो बाईस पे तो वी आएगा ना वी आएगा ठीक है और बीस नंबर पे क्या आएगा टी आएगा ठीक है अब मुझे एक बात बताओ किसी भी वोवल में किसी भी वोवल में चाहे मैंने प्लस किया चाहे मैंने माइनस किया कोई नया वोवल बना देखो ये चीज ऑब्जर्व कर लो यहीं पे तो किसी भी वोवल में प्लस माइनस करने पे वोवल तो बनेगा ही नहीं कॉन्सोनेंट ही बनेगा तो इसको तो करके ही मत देखना किसी तो कॉन्सोनेंट में माइनस वन करने से तो वोवल बनना ही बनना है तो किसी भी वोवल में प्लस या माइनस वन करेंगे तो आप लोगों का कॉन्सोनेंट ही बनेगा वोवल कभी भी नहीं बनेगा तो ये आपको ध्यान रखना है तो अब मुझे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं आएगा यानी वोवल आएगा ही नहीं तो अगर किसी भी मैंने वोवल में प्लस वन कर दिया तो कॉन्सोनेट ही बनना है वो तो चेंज हो जाएगा तो वोवल तो रहेगा नहीं तो वोवल में प्लस वन माइनस करके नहीं देखना कॉन्सोनेंट में माइनस वन करके देख लेना बस ठीक है ना तो ए तो वोवल है तो ये तो कॉन्सोनेंट ही जाएगा एन तेरह नंबर पे है ठीक है क्या है कॉन्सोनेंट में से एक माइनस करना है ठीक तो तो है तो एन तेरह नंबर पे तो बारह चौदह नंबर पे तो तेरह नंबर पे तो क्या आएगा एम आएगा तो कोई मतलब नहीं है ठीक है डी के पहले सी आता है तो कोई मतलब नहीं है ठीक है ना एफ के पहले क्या आता है ई आता है तो एक वोवल बन गया तो एक तो ये हो गया जिसमें कोई स्वर नहीं आएगा इसमें कोई स्वर आएगा क्या बताओ नहीं आएगा क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगा ठीक है तो इसमें स्वर आ जाएगा छः नंबर था ये पाँच नंबर बनेगा तो ई हो जाएगा तो इसमें तो आ जाएगा भाई आगे देखो टी एच ई टी ये बीस नंबर पे आता है तो एक माइनस करूंगा तो उन्नीस हो जाएगा एच में से भी एक माइनस करूंगा तो सात जी आएगा तो इसमें भी कोई वोवल नहीं बनेगा वोवल वाले को चेक नहीं करना है क्योंकि उससे तो वोवल बनना ही नहीं वो तो कॉन्सोनेंट ही बन जाएगा तो उसको चेक नहीं करना है कि वोवल है कि नहीं है ठीक है उसके बाद में देखो बी में से एक माइनस करूंगा तो ए बन जाएगा तो इसमें भी क्या वोवल बन जाएगा लेकिन मुझे देखना है जिसमें वोवल नहीं आएगा एस आपका उन्नीस है उन्नीस में से एक माइनस कर लो अठारह पे आ रहा था वो नहीं बनेगा ये तेरह है ठीक है तेरह के पहले बारह यानी कि एल आएगा तो उसके भी में भी वोवल नहीं बनेगा तो तीन ऐसे हैं जिसमें वोवल नहीं बनेगा कोई कोई तो ऑप्शन ई भी कौन कर रहे हैं कमेंट ठीक है चलो तो भाई आज की क्लास में इतना ही रखा जाएगा बस ठीक है तो आज की जो क्लास थी उसमें मैंने चार टाइप्स आपको बताए थे चारों के चारों टाइप यहां पे कवर्ड हो चुके हैं जिसमें पहला क्या था बेसिक क्वेश्चन थे कुछ दूसरा नंबर सिंबल और उसका लेटर्स का कॉम्बिनेशन था तीसरा ऐसे क्वेश्चन था 628 335 इस तरीके से क्वेश्चन था चौथा ऐसे था इस तरीके से ऐसे लेटर्स लिखे हुए थे ये था चारों टाइप हो गए टायर्ड हाँ मैं भी थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ पता नहीं क्यों पहली बार में थक गई है मैं भी थक गया हूँ क्योंकि बहुत फास्ट फास्ट किया थोड़ा फास्ट हो गया ना आज का लेक्चर ठीक है सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थोड़ा सा कम हुए हैं तो जो क्वेश्चन बच गए वो ऐसे कैसे पी में मिल जाएंगे ठीक है हाँ अभी देखेंगे आर आर नोटिफिकेशन में खुद भी देखूंगा ठीक है हाँ अब जैसे आपने मैंने ये सोच रखा था पहले ही कि अभी जैसे हम थक गए हैं ऐसी कोई बात नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैंने ये सोचा था कल परसों जब मैं सोच रहा था आराम से बैठ के कि वरदान बेच को और बेहतर कैसे बनाया जाए ठीक है तो मैंने सोचा कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में मैं इस तीन घंटे की जो क्लास हो रही है ना इसको दो डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास में कन्वर्ट कर दूँ तो कभी डेढ़ घंटे का दो घंटा भी कर लेंगे हम लोग ठीक है तो इन क्लासेज़ की एफ़िशंसी थोड़ी बढ़ जाएगी तो एक बार मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या इस आइडिया में क्या लग रहा है आपको क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एक मॉर्निंग में रख लेंगे एक इवनिंग में रख लेंगे एक मैथ्स का रख लेंगे एक रीजनिंग का मतलब वो शेड्यूल बना के बताता हूँ सर पी डी एफ बैंकर्स पॉइंट टू पॉइंट जीरो ऐप से मिलेगा बैंकर्स पॉइंट टू पॉइंट जीरो ऐप देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है दो क्लासेज रहेंगे तो सही रहेगा सही रहेगा ना तो इसके बारे में मैं और सोचता हूँ इसका थोड़ा सा प्लान बनाता हूँ और उसके बाद में मैं फिर से आता हूँ आपके साथ हाँ वो पी डी एफ वीडियो अपलोड करा दूँगा मैं ठीक है तो इसको मैं सोचता हूँ कि आर का नोटिफिकेशन आने वाला है अपना कल परसों में तो और बेहतर कैसे हो सकता है ठीक है चलो तो आज के लिए इतना ही था थोड़ा सा मैं चाहता था कि पांच सात क्वेश्चन और करवाऊँ आपको लेकिन वो आपको पीडीएफ में दे दूंगा मैंने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा दिए कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं बचा है ठीक है पीओ कलर के लिखूँ अलग अलग, अलग क्वेश्चन में ऐसे डिवाइड थोड़ी होता है कुछ भी कहीं भी आ सकता है चलो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक सब लोग फॉर्म वॉम भर देना टाइम पे उम्मीद करते हैं अच्छी खासी वैकेंसी आएगी जब नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को क्या है क्या नहीं बहुत बहुत